अब जरा पेपर को डिस्कस करता हूं मैं, और इसके वन बाय वन क्वेश्चन समझते हैं। पहले समझिएगा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस को कैसे करनी चाहिए मैथ्स के, किस लेवल के क्वेश्चन को पहले करें और जो टॉपिक आता है उसको। तो सबसे पहला है मॉड के इक्वल टू 5, थीटा 0 से 360 दिया, देन द नंबर ऑफ डिस्टेंट सॉल्यूशन। अब आपको भी पता है कि ये लिखा है 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू के। ये इसकी मैक्स मिनिमा वैल्यू के लिए आपने पढ़ा हुआ, इजीएस्ट क्वेश्चन है। अगर पी वाई क्यू है इस मीन्स की इजी पेपर होगा। हाँ, पी वाई क्यू में हर साल किसी भी साल का पेपर उठा लो, एनी ईयर, एक दो क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी टाइम लेते हैं, हर तरह का बैलेंस मिलेगा। यानी आप अगर 10 क्वेश्चन को छोड़ दो, हार्डली 10 बहुत ज्यादा बोलता हूं मैं, 5 होते हैं पर मैं मानता हूं 10 भी छोड़ दो तो 40 क्वेश्चन बहुत फेवरेबल होते हैं अगर सही तरीके से समझो। तो आपने पढ़ा हुआ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू, अगर सी लिखा है या इसकी मैक्स मिनिमम वैल्यू तो क्या होती है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी क्या होगी, 9 + 4, 9 + 16 यानी 5। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +5, और मिनिमम वैल्यू कितनी दिया भी है, मॉट के इक्वल टू 5। तो मॉट के इक्वल टू 5 यानी के इक्वल टू कितना, +-5। तो कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, एक +5 पर होगा और एक -5 पे होगा। इजी क्वेश्चन को समझो, कितना सिंपल क्वेश्चन है और लगभग पढ़े हुए क्वेश्चन होते हैं। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, द कर्व डिफाइंड बाय वाई इक्वल टू 10x एंड वाई इक्वल टू कॉट एक्स। कुछ क्वेश्चन में आपको जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा रिलेटेड बताऊंगा, ये एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, पर एरिया वाले क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं और ये एक्चुअल में टाइम टेकिंग था, पर जब पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, जब आपको वैसे भी जब टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं उसमें दूंगा, पर बताते चलूंगा ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अब आती बात, इफ लॉग 1 - x + x² इक्वल टू a1x + a2x² + a3x³ देन a3 + a6 + a9। ये लॉग की सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर में इसको एंड में करवाता हूँ, टाइम टेकिंग है। अब देखिए ये क्वेश्चन है लिमिट का, जब आप लिमिट पढ़ोगे तो एक ट्रिक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा लिमिट में, आप में से कुछ लोगों को याद भी होगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर अगर gx की फॉर्म है, और अगर आप लिमिट रख रहे हो और लिमिट रखने में 1 to the power क्या बनता हो, 1 + 0 की पावर, एक्चुअल में बोलते हो 1 + 0 की पावर इंफिनिटी जैसा बन रहा है या 1 power infinity, तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, e पावर इंटू base - 1। जो सिंपल चीज है, जो जैसे ये थोड़ा सा ज्यादा चीजें बतानी पड़ेंगी इसमें, इसलिए छोड़ा, जिसमें कोई बेसिक चीज है वो एक तरह से रिवाइज ही होता है आपको, ये सब आप कैलकुलेशन पढ़ते हो। तो इसका मतलब ये हो गया e पावर x + 5 इंटू बोलो x + 7 upon x + 2 - 1। तो ये हो गया e पावर x + 5, एलसीएम लिया तो 5 upon x + 2, x कॉमन निकल के कैंसिल, तो e पावर 1 + 5/x, यहां का भी x कॉमन निकल के कैंसिल, तो 1 + 2/x, और 1 upon x, अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो 1 upon x टेंड्स टू क्या होगा, तो ये 0, तो क्या बचा, e की पावर 5। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लिमिट पढ़ोगे तो ये लिमिट में पढ़ते ही हैं हम। ये 5x को कॉमन ले लिया सॉल्व करने के लिए, 5 × x + 5 upon x + 2 है, ऐसा है ये। तो x कॉमन लिया क्योंकि इन्फिनिट x टेंस टू इन्फिनिटी में 1 upon x बनाते हैं, 1 upon infinity कितना होता है, 0, इसलिए तो x कॉमन लिया, तो 1 + 5/x 1 + 2/, अब पर अगर अभी आपने नहीं पढ़ा नहीं बना तो कोई बात नहीं, अब ये 0 हो गया तो ये 1 बचा। % जो पोर्शन नहीं पढ़ा, मान लो कैलकुलस अभी आपका तैयार नहीं है तो उसको छोड़ दो, पर उसको अगर आपने पढ़ा तो बताऊं तो कि लेवल कितना है, मतलब लेवल पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल लिमिट का कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। डन। अब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, ये आपने अभी पीवाईक्यू वाले पेपर में भी दिया था, पर क्योंकि अब टॉपिक वाइज इसलिए तो मैं बोलता हूं, आपका पीवाईक्यू हर साल
मैं इतने बार करवाता हूं, तो सोचिए 2023 में जब 12 क्वेश्चन आए तो भी वही बच्चों ने नहीं किए, वो 12 ही नहीं किए, वो तो छोड़ दो आप, क्योंकि पीवाईक्यू से कुछ नहीं आता, सब दिमाग में पहले से पता है। तो द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे पता चलेगी, दोनों सर्कल का सेंटर निकालिए और जिस टॉपिक में अनकंफर्टेबल है उसके कंसेप्ट बनाइए, उसको पढ़िए, बिना पढ़े तो नहीं होगा। इसका रेडियस कितना है 2 और इसका रेडियस बोलो कितना 7, दोनों सेंटर का डिस्टेंस 5 और इसका डिफरेंस कितना 5। जब दोनों डिफरेंस सेंटर के इक्वल आता है तो कौन सी कंसेप्ट है, सर्कल टच इंटरनली तो कितनी टेंजेंट 1 टेंजेंट। थोड़ा स्लो हो जाओ, जो टॉपिक आते हैं वो करते जाओ, बनता जाएगा पेपर, जहां लगता नहीं बन रहा उसको छोड़ के आगे बढ़ते जाओ। आप एंड तक जाते जाते आप खुद फील करोगे कि 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के अलावा सब बन गया। एलजेब्रा पे कमांड नहीं, एलजेब्रा करो, कोऑर्डिनेट पे नहीं कोऑर्डिनेट करो, ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं ट्रिग्नोमेट्री करो। देखिए इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ देन ऑलवेज, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपसे पूछा है कि किसके इक्वल होगा मैक्सिमम मिनिमम, तो आप मान के चलिए इक्वल एंगल पे ही हो सकता है, 10-90 तो इन्फिनिटी होता है आपको ही पता है। तो इसका मतलब ये है कि हम बढ़ाने कम से कम बात करें, अगर सभी को इक्वल ले लें 60-60-60 तो ये कितना हो जाएगा 30 और 10-30, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये कितना हो गया 1। तो k की वैल्यू क्या होगी 1 या 1 से बड़ी, क्योंकि आपको ही पता अगर आप 120 रख दोगे तो √60, तो √3 का स्क्वायर 3, तो 1 मिनिमम हो गई, मैक्स की लिमिट नहीं। आप हर टॉपिक में बोलते हो ये नहीं आता है, पर प्रॉब्लम ये कि जो टॉपिक में आप बोलते हो नहीं आता उसकी उसके आने की जरूरत कितनी है वो नहीं पता मुझे, पर जो आ, आ, आता है वो आप करते नहीं हो, वो अभी तो मुद्दा ये है। आप पढ़िए क्या लिखा है, लेट ए एंड बी एंड सी आर 3 वैक्टर, देन अ वैक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड सी, एक ऐसा वेक्टर बताना है जो किस प्लेन पे हो, ए और सी पे, प्लेन में बोला ए एंड सी, उसका मान लो डी वेक्टर है वो, तो ये डी ए सी क्या है, एक ही प्लेन में को प्लेनर होगा, बोला ना लेट ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर, देन अ वेक्टर इन अ प्लेन ऑफ ए एंड सी हुज प्रोजेक्शन ऑन बी इज मैग्नीट्यूड 1/√6, और उसका बी की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1/√6 हो। तो दो तरीके हो सकते हैं करने के, कि हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, मेथड से। ऑप्शन से करें तो जो भी ऑप्शन है वो और ए और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा बताओ 0, मान लो वो डी वेक्टर है, और डी डॉट बी अपॉन मॉड बी किसके इक्वल होगा 1/√6 के, तो बी वेक्टर तो आपके पास ऑलरेडी है, कितना बी आई माइनस जे प्लस 2 के, इसका मॉड लोगे तो √6 आएगा, वो भी पता है। अब आपको ऐसा वेक्टर सोचना है जिसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करने पे क्या मिले 1, तो पहले तो ये कंसेप्ट लगाते हैं, तो इसको करो 3 + 2 = 5 नहीं है, बी पे गए 3 - 2 है, बी है 3 - 2 बी है, सी पे आए नहीं है, डी पे गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर मान लो दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे होते तो मैं अगला क्या करता, आई जे के फिर कौन सा लेता, ए 2, 1 और 2 और फिर लेता सी बोलो 1 - 2, ये क्या निकालता अगर दो कर रहे होते, अगर ये 0 आता तो ये नहीं, तो वो दूसरा जो नहीं कर रहा सेटिस्फाई कौन सा। पेपर को समझो, अब देखो ये कोई अब किस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हो वो समझो आप। अब हम आते हैं 1 से लेके फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट से हुआ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मैक्स मिनिमा वैल्यू से, फिलहाल में एरिया अंडर कर्व नहीं पढ़ा इसलिए छोड़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी लॉग सीरीज का है, टाइम टेकिंग है इसलिए छोड़ा है। ये क्वेश्चन लिमिट के बेसिक बेस पावर पे बेस्ड है, फॉर्मूला पता होना जरूरी था, मतलब इसमें क्या आना चाहिए वो बता रहा हूं, राइट। इस क्वेश्चन में सर्कल का कंसेप्ट पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन 2 सर्कल क्या होता है। इस क्वेश्चन को आपने प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की बेसिक कंसेप्ट से एंगल पुट करके किया, यानी एक तरह से मेथड से नहीं किया। इस क्वेश्चन को आपने ऑप्शन से किया, मेथड से नहीं किया, ध्यान रखना। आप अगर लिखोगे तो जो मैं हर बार बोलता हूं कि 10 क्वेश्चन लगभग ऑप्शन से होंगे, 10 ट्रिक से होंगे, 10 मेथड से होंगे, 10 लॉजिक से, एक्चुअल में ये हर एक्चुअल पेपर में मिलेगा ये,
ये आपने ऑप्शन से किया, कुछ भी नहीं किया इसमें, मेथड का लगाया। हाँ कंसेप्ट पता था इसलिए आपने ऑप्शन को इसको हेल्प ले ली। अब देखो अगला पढ़िए क्या लिखा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, अधूरा है इसमें दिया होगा कोई फैक्टर, डिविजिबल बाय एक्स माइनस वन, तो बहुत ईजी हो गया, एक्स माइनस वन से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वन इसका क्या है, रूट है, तो वन रख दो यहां पर, तो वन माइनस थ्री प्लस टू पी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो टू पी इक्वल टू बोलो एट, तो पी कितना, मतलब आप कभी देखोगे तो आपको लगेगा क्या दिया क्या जा रहा है आपको पेपर में, इतने ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं पेपर में, पूरा था कि इनकम्प्लीट है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे मतलब, पर करना क्या था वो पता होना चाहिए कि आपको पॉलिनोमियल का एक फैक्टर दिया था और पी पूछ लिया था, कितने बेसिक कंसेप्ट, मतलब हर टॉपिक को कितना आना चाहिए ना, अगर आप इससे नहीं सीख पाते हो एक्चुअल पेपर से, हर बार आप गलत डायरेक्शन में पढ़ते रहोगे, आप वो पढ़ोगे जो आपको पढ़ना चाहिए। और ये कोई एक पेपर की बात नहीं, हर पी वाई क्यू के पेपर के साथ मैं एक ही बात बोलता हूँ, और इसके साथ भी वही बोल रहा हूँ। इधर आओ, एफ थीटा इंटू एफ अल्फा कई बार किया हुआ है, पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए नहीं किया, तो एफ थीटा तो ये लिखा है, एफ अल्फा मतलब होगा इस रो का कॉलम में होगा, तो बताओ यहां पे क्या जाएगा, अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो, अभी एक ही रो से हम कंक्लूजन दे सकते हैं, इसका इससे किया तो बोलो कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस एंड दिस इज कॉस थीटा प्लस अल्फा, उस फॉर्म में यही लिखा है, ये आ गया आंसर। और स्टार्टिंग में चाहे तो आप थीटा की कोई वैल्यू भी एज्यूम कर सकते थे, जीरो और पाई बाई टू कर लो अल्फा की जगह, यस और नो, पर एक सिंगल स्टेप के मल्टीप्लाई से कैसे किया वो सीखे, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पता होना चाहिए, मतलब क्या कितना बेस लेवल पे चीजें कवर होती हैं। आप थोड़ा भी इसको अच्छे से होल्ड करके करते हैं, आप आराम से 450-500 स्कोर कर लेते। चलिए अब दिया फैक्टोरियल एन अपॉन टू, फैक्टोरियल एन माइनस टू एंड फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल फोर एन माइनस फोर आर इन रेशियो 2:1, देन द वैल्यू ऑफ एन, मतलब आपको ये दोनों क्या बोला ये दिया हुआ है, अपॉन फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल फोर, ये रेशियो कितना दिया है 2:1, क्वेश्चन सिंपल है, ये कैंसिल आपस में, ये ऊपर चला जाएगा, तो फैक्टोरियल फोर इंटू ऑप्शन सी कर लोगे आप, फैक्टोरियल टू इंटू एन माइनस टू इक्वल टू 2:1, यस और नो, ये हो जाएगा कितना 4 × 3, फैक्टोरियल टू कैंसिल, एन माइनस फोर रहने दो, यहां आ जाओ 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, बोलो कितना n माइनस टू एन माइनस थ्री इंटू फैक्टोरियल इक्वल टू 2:1, ये भी कैंसिल, 2 से ये भी 2 टाइम कैंसिल, तो कितना 6 इक्वल टू एन माइनस टू इंटू ऑप्शन सी देख लो कौन सा, n की वैल्यू क्या होगी, 2 तो होगी नहीं, 0 होगी नहीं, 5 रख दो, तो 5 − 2 = 3 और 5 − 3 = 2, कितना आपको छोटा सा फैक्टोरियल का ओपन पता होना चाहिए क्या होता है ओपनिंग। जितना अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हो पेपर को करिए, अगर आपके पास 10 साल के पेपर हैं तो इस साल भी वैसे ही कुछ होने वाला है, कुछ नया नहीं होने वाला, कुछ नया नहीं होगा। चलिए द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ विलिस विच मीट एट राइट एंगल, अभी सर्कल में बताया था कि ये सबका ही कंसेप्ट है पैराबोला विलिस, कि अगर परपेंडिकुलर टेंजेंट का कभी भी लोकस निकाले तो वो क्या बनता है, डायरेक्टर सर्कल, तो डायरेक्टर सर्कल को सर्कल ही बोलते हैं, वो तो नाम है डायरेक्टर सर्कल उसको। इलिप्स में भी यही रूल है, ऐसा नहीं है कि कोई इलिप्स में, हाइपरबोला में भी यही होता है, परपेंडिकुलर टेंजेंट से जो भी लोकस बनता है वो क्या कहलाता है, डायरेक्टर सर्कल या सर्कल। हाइपरबोला में भी सर्कल बनता है, सभी में सर्कल बनेगा, क्लियर।
और सभी का सेंटर वही रहेगा, इलिप्स का सेंटर भी वही रहेगा जो इलिप्स का सेंटर था, हाइपरबोला का सेंटर भी वही रहेगा जो हाइपरबोला का था, और सर्कल का भी सेंटर वही रहेगा जो सेंटर था। यानी सारे सेंटर सेम होते हैं पर इमेज जो तीनों बनेंगी लोकस की वो सर्कल ही बनेगी। पढ़िए क्या लिखा है, इफ द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए एंड बी रिलेटिव टू ओ बी दिस एंड दिस, देन द मीडियन थ्रू ओ मतलब एक ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये ए के कोऑर्डिनेट कितने दिए बोलो, 1 -4 3। क्वेश्चन को लेवल को समझो, ये बी के कोऑर्डिनेट बोलो -1 2 एंड -1। ठीक है, क्या लिखा, मीडियन थ्रू, देन द मीडियन थ्रू ओ, ये मीडियन हो गई ठीक है, इसका मिड पॉइंट से जाएगी, मिड पॉइंट बोलो -1 1 का 0 -1 एंड 1। तो बताओ माइनस कहां पे गलत हुआ, हाँ माइनस जे प्लस के आंसर ही होना चाहिए, नहीं दिया, हाँ तो गलत दिया, इन दोनों का एडिशन बाय 2 होता है, गलत टाइप हो गया वो, आप करेक्शन कर लीजिए अभी, माइनस जे प्लस के, वो आई नहीं लिखना था पेपर में, क्या लिखा आया था, हाँ तो कैंसिल हो जाएगा पर अभी कर लीजिए करेक्ट। आप कभी भी देखना जैसे वो लॉक का क्वेश्चन में मैं नहीं उलझा, अभी करवाऊंगा, या कहीं पे भी आप पेपर कंफर्टेबली आगे बढ़ते जाते हो, आप एक क्वेश्चन में उलझते हो आपका पूरा पेपर का तरीका बदल जाता है। डन, द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, अब जनरल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा दिया है -1/2, टेन थीटा दिया 1/√3। पहली बात ये कि जनरल वैल्यू में 2n पाई प्लस होता है, और 2n पाई प्लस ये भी है, 2n पाई प्लस ये भी, पर थर्ड क्वाड्रेंट होना चाहिए, ये फोर्थ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, आंसर इज सी। ठीक, अब जिस साल ये आया क्वेश्चन, सर हम इसको चैलेंज करेंगे, मोस्ट नहीं लिखा, किसने कहा मोस्ट नहीं लिखा तो क्वेश्चन चैलेंज हो जाएगा, मतलब इतनी सड़ी सड़ी चीजों में उलझा जाता है, और कई बार जिन क्वेश्चन में मोस्ट लिखा होता वहां बोलते सर 2 इक्वेशन नहीं थी, भाई सॉल्यूशन पूछा है, सॉल्यूशन दिख रहा है आपको। ये क्लियर, कितनी बिल्कुल हर क्वेश्चन को आप देखो कितनी बेसिक नॉलेज से आप कर रहे हैं और कितना ज्यादा आप पढ़ते हैं। चलिए, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द वर्टाइसेस हुज पोजीशन आर दिस दिस दिस, ए बी सी, ए के वर्टेक्स बोलो क्या है, आई जे के, आई जे के, आई जे के, एरिया पूछा है तो क्या हो जाएगा, एरिया हाफ ए बी क्रॉस, कोई भी एक वर्टेक्स को पकड़ लीजिए, यानी आप वेक्टर पढ़ रहे हैं और वेक्टर का केवल क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, सब इनिशियल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। निकालिए पूरा करिए, बीच में थोड़ी छोड़ना उसको, बचना नहीं है, चॉइस थोड़ी आपके पास, हाँ उनकी चिंता मत करो, आ जाओ आप लोग भी, स्प्रे मार लेना जो जरा नींद में आ रहा है इस समय। चलो आ गया, एरिया कितना है, √20,
नहीं। अब देखिए लिखा है था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 नंबर इज 30, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4 देन न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने पढ़ा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता, मल्टीप्लाई और डिवीजन में चेंजेस आते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड हो जाता है। आप देख लीजिए मतलब आप खुद क्वेश्चन को समझिए कि आप हर क्वेश्चन में आप ये फील करोगे कि प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सेप्ट 5, 4, 4, 5 क्वेश्चन आपकी नजर, मैंने देखा बहुत बच्चे उन्हीं पे नजर गड़ा देते हैं, आप उसको छोड़ दो और मैं उसको हायर साइड पे बोल रहा हूँ 10 क्वेश्चन होंगे ऐसे मान लो, आप क्यों 10 क्वेश्चन के चक्कर में 40 का कवाड़ा कर रहे हो? सीखो पेपर को। द फंक्शन इज मैक्सिमम, अब फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम बताना है तो तरीका होता है एफ डैश एक्स को क्या करो, 0 से कट करो, डबल पे वेरीफाई करो। अभी आप 0 पे केवल डिफरेंशिएशन ही कर लोगे तो हो जाएगा, बेसिक डिफरेंशिएशन तो करना है, लेंथी होता है तो बोलता छोड़ दो करो। द फंक्शन इज मैक्सिमम व्हेन, तब इसका डिफरेंशिएशन किया तो बोलो 1 + x tan x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 - x इंटू 1 का 0 एक्स sec स्क्वायर x प्लस बोलो अपॉन होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर की जरूरत नहीं क्योंकि इसको 0 से क्विट कर रहे हैं तो यही वाली इक्वेशन बचेगी, तो क्या क्या बचेगा बताओ, 1 + x tan x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू बोलो sec स्क्वायर x प्लस एक्स टेन एक्स। अब ये एक्स टेन एक्स एक्स टेन एक्स कैंसिल तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स कितना आ गया कॉस एक्स। अब क्यों डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही रूट आया और एक ऑप्शन दिख रहा है इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो सेकंड डेरिवेटिव पे कर आप मतलब सही अंडरस्ट। आज आप इस पेपर को पूरा करने के बाद, अभी तो बहुत पेपर दोगे, आप देखना कि कितने क्वेश्चन थे जिनके वजह से पेपर में स्कोर डाउन या आप हो सकते, और वो चीज नहीं आने पे उसको पढ़ने की चिंता मत करो जो 40-45 क्वेश्चन कर सकते थे उसकी बेसिक की चिंता करना जरूरी है। अब बोला है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द सेट, फंक्शन कंटिन्यूअस कहां पर होता है तो उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी होती है, आपस इसको लिमिट के तरीके से सोच लो सॉल्व करके, ठीक है। एक्स प्लस टू इसके फैक्टर बताओ क्या क्या होंगे, एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन ये कैंसिल तो -2 -1 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब एक फैक्टर कैंसिल तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना -1 पे देखना है 1 / x + 1 तो -1 पर 0 मिल रहा है क्या रिजल्ट, नहीं, और -2 रखो -1 तो ये सही है, तो आप क्या बोलोगे कंटिन्यूस ऑन द सेट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। आप कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, पर अभी आइडिया दे रहा हूं आपको कि आपको इसकी रेंज बतानी थी। कोई भी चीज जैसे कैलकुलस, क्योंकि अभी हुआ नहीं है तो कैलकुलस का क्वेश्चन आज समझ में नहीं आया तो आप उसको पेंडिंग डाल लीजिए, कैलकुलस के साथ पढ़ते समय दोबारा सीखेंगे। बाकी करा क्या है वो आपको एक बार फिर आइडिया देता हूं कि ये क्वेश्चन ऐसा था, इसकी एक तरह से कंटिन्यूटी मतलब रेंज ही होता है, नीचे फैक्टर x + 1 x + 2 बन रहा है, x + 2 कैंसिल तो 1 / x + 1। अब आप इसमें -2 रख सकते थे, बताओ -2 रखते तो क्या आता, तो -2 पे -1 आ रहा है यानी कंटिन्यूस है, पर -1 रखते तो क्या होता ये ठीक, -1 रखते तो क्या होता इन्फिनिटी, तो -1 पे ये क्या दे रहे हैं और आ क्या रहा है, तो इसका मतलब इस पर कंटिन्यूस नहीं और इस पर है, तो क्या बोलोगे रियल नंबर एक्सेप्ट -1। अगर यहां पे भी इंफिनिटी लिख देते तो उसको भी मानते, मतलब दी गई डिफाइंड वैल्यू के बराबर आना चाहिए कंटिन्यूटी, पर फिर भी एक सेवा ना आए तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ने के बाद क्लियर होगा। अपोलियन मतलब मुझे लगता है परमुटेशन करो और ये क्वेश्चन ना देखो, हो ही नहीं सकता, 10th क्लास से चला आ रहा है ये क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ साइड पूछी है तो n (n-3/2) इक्वल टू बोलो 44, तो n (n-3) = 88, 88 जब ही मिलेगा जब 11 लोगे, 11 11 - 3 8।
और अगर आपने अरुण सर की क्लास की होगी तो वो सब पढ़ा भी चुके होंगे। पर मैं भी देखिए अब क्या क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टू इवेंट ई एंड एफ आर, ई एंड एफ कितना, ई एंड एफ सॉरी ई दिया है 0.25, एफ बोलो 0.5 रिस्पेक्टिवली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब ई इंटरसेक्शन एफ दिस इज 0.14, द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर एफ नाइदर ई नॉर एफ मतलब ये, यानी 1 माइनस ई यूनियन एफ, यानी 1 माइनस पीई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ बोलो, तो 1 माइनस 0.25, 0.5 माइनस 0.14 बोलो पॉइंट, यही है ना अब, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हर जगह मिलेगा आपको, तो ये दिमाग में आ जाता है आंसर क्या होगा। सीधा सीधा 3 tan inverse x का फॉर्मूला, ये 3 tan inverse x लिखा खत्म। अब ये लिमिट दी है कोई बात नहीं, आप बताओ tan inverse 1/√3 कितना होता है, पाई बाई सिक्स, तो 3 × π/6 कितना होता है, पाई बाई टू, और tan inverse x की रेंज होती है -π/2 से, तो अपर लिमिट रख के π/2 मिल रहा है, लोअर पे -π/2, तो रेंज के अंदर हो, रेंज के अंदर हो तो कुछ नहीं, 3/, अच्छा टेन वर्स के फॉर्मूले में अंडर रूट तो वैसे ही नहीं आता, ये हो सकता था किसी केस में, पर फिर भी 3 खत्म नहीं होता, समझो बात को, तो ऊपर क्या लिखा है, इतना मजबूरी वाला आंसर था कि इसकी कंडीशन की वैल्यू खत्म हो गई थी, 3 तो होना ही चाहिए था। क्लियर, अब आप बोलो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल सच बात है, मत पढ़ो, ये किसका क्वेश्चन है, बस यहां क्या लिख दिया, क्लेम करोगे आप उनपे, कहेंगे डिफरेंशिएशन है, जबकि कोई रोल नहीं है डिफरेंशिएशन का, उसका डिफरेंशिएट करना है बस, पहले लिखा 3 tan inverse x और फिर डिफरेंशिएट कर दिया तो 3/, पर अगर आपको ये नहीं आता होगा तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आना तो बहुत जरूरी है कैलकुलस की स्पीड के लिए। चलो एनीवे, कोई ऐसी गाइड, कोई बुक नहीं, कोई मटेरियल नहीं होगा जिसमें 4 बार आपने नहीं किया होगा क्वेश्चन, है ना, तो 10 9 degree, फिर भी मैं हर बार इसलिए रिवाइज करवाता हूं कि आप समझो, 81 माइनस 10 20, अब आपका स्कोर कम आया तो सोचना कि क्यों कम आया, क्या आंसर था 4 है, वही कह रहा हूं, ये आता ही है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते हैं और सालों से आ रहे हैं, और अभी 21 के पेपर में आया था ये, मैं तो कब से दे रहा हूं ये पेपर में। चलिए ये पढ़िए, इन अ ट्राइंगल इफ द सम ऑफ टू साइड इज एक्स एंड देयर प्रोडक्ट इज वाई सच दैट एक्स प्लस जेड इक्वल टू एक्स माइनस जेड इक्वल टू वाई वेयर जेड इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल देन टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना, बड़ा प्यारा और समझने वाला क्वेश्चन है, देने का तरीका अलग कर दिया। सुनिए, ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ये 3 साइड मान ली, कोई भी 3 मान सकता, कोई भी लिखा हुआ है इन अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ टू साइड, कोई भी 2 साइड का सम क्या है एक्स एंड देयर प्रोडक्ट वाई एंड थर्ड साइड इज जेड, तो सी को मान लो जेड थोड़ी देर के लिए, ए बी के टर्म में आदत है करने की। अब बताओ आपको कंडीशन क्या दी, एक्स प्लस जेड, तो ए प्लस बी प्लस सी इन टू ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू वाई, वाई क्या है ए बी, इसको लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यस और नो। अब आपसे अगर मैं बोलूं कि कोसाइन फॉर्मूला बताओ तो क्या होता, करो इसको सॉल्व, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये माइन प्लस 2ab है तो वहां गया तो कितना बचा माइनस ए बी, ए बी का डिवाइड कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू, दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दीजिए तो ये बन गया कॉस सी इक्वल टू -1/2, तो थीटा 1 सी 120 आ गया, तो कौन सा एंगल हुआ ऑब्ट्यूस एंगल, कितना मतलब क्वेश्चन के लेवल को
बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड करो समझ के, इसलिए बहुत आराम से चल रहा हूं। पी वाई क्यू है तो मैं आपको एक एक चीज समझाना चाहता हूं, और कोई भी साल का उठा लो, अभी 23 का पेपर एक बार फिर सॉल्व करवाएंगे, अभी दिमाग में फिर बैठने लगा, बहुत खतरनाक है। इजीएस्ट पेपर था वो, बेस उसका ज्यादा था, उसमें और पीछे पूछा था। और वहां जेड भी लिखा रहते तो चलता, पर क्या है कि वो सभी को एक ही टर्म में बना लो तो फॉर्मूला क्लिक करना आसान हो जाता है, इसलिए मैंने अगर दो को ए बी लिया तो तीसरे को सी मानने से क्या फायदा हुआ, आपको एबीसी के टर्म में क्वेश्चन को देखने की आदत है, बस वो करा, जो लिखा है मैंने वो इक्वेशन बनाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन को रीड करो होल्ड करके, मैं कहता हूं आप 4 मिनट में करो, पर आप ढंग से करोगे एक एक दो दो मिनट में क्वेश्चन होते जाएंगे। ये समझ गया ना, 2 का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया दोनों तरफ, डन। बिल्कुल, आपको दिया था दो साइड का सम एक्स है, उनके प्रोडक्ट को बाय बोला है, और जेड को थर्ड साइड बोला है, और आपको बताना था एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड। अब कोई भी दो साइड, कोई जरूरी नहीं है, इसको इन दोनों का सम मानते तो ये थर्ड साइड हो जाती, खत्म। तो ए प्लस बी, एक्स की जगह लिखा ए प्लस बी, जेड की जगह सी, ए प्लस बी माइनस सी, स्क्वायरिंग करी, ओपन किया, बस यहां पर इस ए बी को यहां लेके आना था नीचे। एच वन एच टू एच थ्री एच एन आर हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब इसके तरीके मैंने आपको 4 टर्म बताए थे कैसे मानते हैं, 3 4 6 12, ये हो गया ए, ये हो गया एच वन, ये हो गया एच एन यानी एच टू, और ये हो गया बी। ऑप्शन से कर सकते हो, एन की वैल्यू क्या मान ली अभी, नंबर ऑफ मीन कितने ले लिए, 2। एच वन प्लस ए मतलब 3 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4 प्लस एच एन मतलब ये कहां पर, अच्छा 4 माइनस 3 प्लस, बोलो यहां पर 6 प्लस 12 अपॉन माइनस 12, ये हो गया 7 अपॉन 1 प्लस 18 अपॉन माइनस 6, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, 4 मतलब 2n। और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत एक्स्ट्रा लेवल की ट्रिक्स लगती है, बस आप पीसफुल माइंड से करो, आपको क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। और बहुत अच्छे स्कोर आए भी हैं इसमें, जिनके कम आए उनको ध्यान देना कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं पढ़ने में। जिनने इसमें 600 के ऊपर स्कोर किया वो सही गए, 600 700 जाना ही था इतना, पर अगर किसी के 200 300 400 आए, इसका मतलब आप समझ लो कि क्या चीजें हैं जो आपको समझनी, क्या आना चाहिए, क्या नहीं आता वो छोड़ दो, क्या आना चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं आने में तो बहुत कुछ है दुनिया में जो नहीं आ सकता, अब आप चाहोगे भी तो नहीं आ सकता। चलिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x की पावर 4, देन dy बाय dx बताना है। अब इसमें सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करना है आपको, इनवर्स। अब देखो, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में नहीं है, अभी जब से इतने बच्चे पूछते हैं मैं बोलता हूं देखो तो जरा डिफरेंशिएशन में इनवर्स के सिवा क्वेश्चन किसके होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लग सकता है क्योंकि डेटा अंदर का कुछ इस ढंग से दिया है, फिर भी अगर इसमें आप कुछ सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो तो देख लो। ये इसको ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस, अभी इसका डिफरेंशिएशन हम अगली रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। चलिए अगला, 32 इंटू 10 पावर 8 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा, और यहां पे दिया 3 कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस 2 थीटा दिया है 1/3, कॉस 2 थीटा मतलब 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1/3, तो 3 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब इस क्वेश्चन पे वापस आओ,
32, इसको लिख सकते हो 1/2 की पावर 4, 2 cos² अल्फा -3 cos अल्फा, ये 16 तो 2 बचा, तो 2 cos² अल्फा -3 cos अल्फा -2 = फैक्टर बना लो, 2 cos² अल्फा -4 cos अल्फा +cos अल्फा -2 = 0। इतने स्मूथली आप, अब देखो कॉस अल्फा की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 1 -2 जो कि डिफाइंड नहीं, और एक आ गई -1/2। -1/2 कब होता है? 2π/3 पे, तो 2nπ ±2π/3 cos θ = cos α। डन। a cos² c/2 = c cos² a/2 = 3b/2, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो देन साइड ऑफ ट्राइंगल पूछी है। अब एक बार बताओ, वैसे तो मेथड से भी इजी होता है क्योंकि ये है ऐसा, a इंटू 1 + cos c/2 + c इंटू 1 + cos a/2 = 3b/2, 2 से 2 कैंसिल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला लग गया, तो एपी कैसे, a प्लस ए कॉस सी, सी प्लस सी कॉस ए इक्वल टू 3b, और a प्लस सी ये होता है b इक्वल टू 3b। मतलब वैल्यू के बिना भी इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या जरूरत, आंसर आ गया ए पी। बस क्या पता होना चाहिए था कि कॉस क्या थीटा इक्वल टू होता है 1 + cos 2θ/2, इतनी सी चीज पता होना चाहिए, और एक ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला a cos c + c cos b = b। इफ थीटा इज द एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, थीटा इनका एंगल है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के एंगल का फॉर्मूला। अब आपको ये भी नहीं पता, आप बोलते हो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, वो तो बात की बात है, ये बनता है कि नहीं पहले बताओ, ये फॉर्मूला पता है कि नहीं, ये सब समझो। तो 2√h कितना है, 7/2, तो 49/4 -12 / a + b 1 + 12, ये 48 से कैंसिल, 2 से 2, तो 1/13, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/13। पूछा क्या है, कॉस का डिवाइड कर दो, 2 + 3 tan θ / 4 tan θ, कॉस का डिवाइड किया 5, 2 + 3/13, 4/13 + 5, 26 + 3 = 29, 65 + 4 है कहीं, इतना स्मूथली पेपर सॉल्व होता है कि कहीं आप उलझ ही नहीं सकते, और इतने स्मूथली 23 का भी पहले करवा चुका, दोबारा करवाऊंगा, फिर आ गया होगा डर, बिना करे बता रहा हूं, क्योंकि आप उसको पेपर को देख ही नहीं पाते हो, किसी भी दिन मिल जाएगा आपको 23 का पेपर। डन, कई बार करेंगे हम। अरे भैया आपको ये एक्स पावर 7 दिखी है, मुझे 2 ही दिखी है, कोई कैंसिल नहीं होने वाला, एक्स स्क्वायर है वो। हाँ चैलेंज होगा, कैंसिल होगा, सब होगा, अभी पर आपको यही दिखा है, बाद में आप इसको क्योंकि गलत करा या छोड़ा है तो अब आप बोल रहे हो चैलेंज कर लें, वहां 2 ही दिखेगा, किसी को 7 नहीं दिखेगा, पर वो गलत लिखा है, वो सही हो जाएगा, और पेपर में भी सही आया था, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, जो क्वेश्चन कैंसिल हुए थे इस पेपर के उसमें ये नहीं था, वो अलग है क्वेश्चन, बताऊंगा भी। द फोर्थ ज्योमेट्रिक बीन बिटवीन, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप उनको पकड़ो जो एनआईटी में पेपर बना रहे हैं,
4, 8, 16, 32 और जाके उनको पीटो कि ऐसा पेपर क्यों दे रहे हैं। ऐसा पेपर के लिए 2-3 महीने पढ़ लेते हैं, कई बच्चे थोड़ा थोड़ा ऊपरी वो भी कराते हैं, इसलिए कंपटीशन बिना बात के बढ़ जाता है। जो इस बार कम से कम सीयूटी आपको बचा लेगा, मतलब उनको ऐसा बोलना चाहिए आपको जाके कि कुछ तो करने के लिए दो, ऐसे क्यों दे रहे हो पेपर। डन, कि इसमें भी डाउट है, या अभी कोऑर्डिनेट के पेपर के एनालिसिस के साथ बताया था आपको, याद हो तो, विथ लॉजिक कि पॉइंट बी पी क्यू से पास हो रहा है तो पी क्यू सेटिस्फाई करवाना है। सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन वन, क्यों देखो भैया, ये ए आई प्लस जे प्लस के है, ये है आई प्लस बीजे प्लस के है, और ये है आई प्लस जे प्लस सी के है। आप इसमें आई जोड़ लीजिए अभी, ठीक एक पेन तो जरा मुझे जो जो क्वेश्चन अभी हमने थोड़े बहुत चेंज करें आगे के लिए करेक्ट करवा लूं। एक कौन सा करा था, चलो अभी रिवर्स ऑर्डर में देख लेंगे, अभी यहां से तो कर ही लेता हूं। डन, डिटरमिनेंट शुड बी जीरो, ए वेक्टर आई प्लस जे बी टू आई माइनस के, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। अब देखिए, आर क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए दिया है, आप इसको लिख सकते हो आर क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए इक्वल टू जीरो, या आर क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, और ए क्रॉस बी की वैल्यू दी है आर क्रॉस बी, तो आर क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। आर कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो जब होता है, जब दोनों पैरेलल हो, मतलब आर वेक्टर और ए बी वेक्टर इक्वल हो, तो ए प्लस बी कर दो सबसे पहले, तो ए प्लस बी या उससे प्रोपोर्शन, मतलब ऐसा लिख सकते हो आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा ए प्लस बी, या तो इक्वल होगा, लेमडा की वैल्यू 1 होगी या कुछ टाइम होगी, तो बता ए प्लस बी कितना, 3i + j माइनस के है कहीं, 3i + j माइनस के, देखिए मतलब दो लाइन इंटरसेक्शन करने, ये 3D का क्वेश्चन है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो स्टेट लाइन की इक्वेशन स्पेस पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये बता रहे। हाँ? दिया है ना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। अभी आपने 3D का वो पोर्शन पढ़ा नहीं, तो 3D पे बेस्ड वेक्टर, 3D को वेक्टर फॉर्म से भी सॉल्व करते हैं उस पे बेस्ड। अब जैसे 3D सिलेबस में नहीं है, अगर आप इसको आउट ऑफ सिलेबस मानना चाहो तो मान सकते हो, पर ये आउट ऑफ सिलेबस ही वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट से हुआ क्वेश्चन है, अभी तो आपने कुछ सोचा ही नहीं, अभी तो आपने केवल वेक्टर से करा, ये तो क्लियर है ना, आर क्रॉस ए बी प्लस बी जीरो जब ही होगा, जब ये दोनों वेक्टर पैरेलल या इक्वल होंगे, बस हमने तो अभी उससे ही करा, अभी मैं इंटरसेक्शन पे ले ही नहीं गया आपको। आउट ऑफ सिलेबस जब कोई चीज आती है तो बहुत अलग लेवल, बहुत ही बेस लेवल पे होती है, आप थोड़ा सा कोशिश करोगे हो जाएगा। किसमें निकालना ही नहीं, लेमडा इसमें उसी के टाइम्स आएगा, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स, नहीं, मत बोल जो अभी, फिर वही कह रहा हूं, यहीं पे बिगड़ जाता है पूरा पेपर, चालू यहीं से होता है बिगड़ना। चलो नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है एटलीस्ट वन सोल्यूशन, एटलीस्ट वन सोल्यूशन मतलब वन से ज्यादा हो सकते हैं, तो वन से ज्यादा हो सकते हैं मतलब वन से ज्यादा एक ही चीज होती है, या तो इन्फाइनाइट या वन सोल्यूशन, और बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो आप सेलेक्ट या रिजेक्ट, बीच का कुछ नहीं है, बीच के जो है वो अभी एग्जाम आने वाले हैं बहुत सारे। तो बताओ क्या होगा, डेल्टा कितना, तो 3 - 1 - 4, पहले पूछा क्या इन्होंने, लैम्डा पूछा, लैम्डा ही तो निकालोगे, 1, 2 - 3 और बोलो 6, 5 लैम्डा, दिस शुड बी 0, लैम्डा वाली इक्वेशन ऊपर ले लेना, कितना,
वेरिएबल टेक वैल्यू 0, 1, 2 अप टू 50 विथ फ्रीक्वेंसी 50C0, 50C1, 50C2 अप टू। अब इसको मैंने आपको बताया था, आप इसको वैल्यू लेके भी कर सकते हो। आप कोई भी छोटा सा, ये जैसे 50 दिया है, 50 पे 50 अगर n होता तो ये n है, ये n बाय टू है, ये 2 की पावर n अपॉन n है, ये n प्लस 1 है। यस और नो? आपने ऑप्शन ऐसे क्रिएट करना सीखे, मेथड से हो जाएगा पर ऑप्शन भी सीखे क्रिएट करना। आप मान लो n की वैल्यू 2 मानते तो क्या क्या लेते? वैसे तो 1 पे ही हो रहा है क्योंकि 1 रखने पे ये 1 देगा, ये 1 बाय 2 देगा, 2 बाय 1 देगा, 2 दे रहा है, मतलब कोई मैच तो नहीं कर रहा ना, और वो 2 दे रहा है तो 2 दे रहा है तो 2 ले लो। चलो अब 2 लेते तो क्या लिखते बताओ, 0, 1 और 2। यहां क्या लिखते, 2C0, 2C1, और पूछा क्या आपसे अर्थमेटिक मीन, क्या होता अर्थमेटिक मीन? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स। बोलो 0, 2 प्लस 2 अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। बोलो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 1, 4 बाय 4 कितना 1। एन की वैल्यू 2 रखने पे 1 कौन दे रहा है? 2 रखने पे 2 दे रहा है? नहीं, 2 रखने पे ये, बस यही आंसर होगा। सब इसी तरह से पढ़ते हो आप पूरे साल, मतलब साल भर पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका, पेपर सब कुछ सिमिलर आते हैं। पता नहीं बीच में आप कहां से एक नया रास्ता निकाल के करने लगते हो। कई लोग क्वेश्चन को ही बताते सर इसको ऐसे कर ले, तो मतलब सिंपल क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कैसे किया जाता है वो आप लोग सिखा देते हो मुझे। अभी आगे चल के एक बुक लिखूंगा, उसमें आप लोगों ने जो सिखाया उस पर लिखूंगा कि कैसे सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। अब रहा सवाल, इसको मेथड से करना होता कोई देर नहीं लगती, आप मेथड से करते तो ऐसे करते 0 × this + 1 × 50C1 + 2 × 50C2 up to 50 × 50C upon sum of this one। तो 50C0 + 50C1 + 50C2 up to 50C50, ये तरीका होता है इसको करने का। अब क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है आपका n × 2 की पावर, ये डिफरेंशिएशन से बनता है 2 की पावर n-1, यानी 2 की पावर 50 49 n-1 अपॉन ये है 2 की पावर n, n कितना है 50 है ना, तो n × बोला अभी n के टर्म में रहने दो भले, हाँ मतलब n 50 लिख दो यहां, 2 की पावर 49 अपॉन 2 की पावर 50, तो 50 अपॉन 2 कितना आ गया ये पूरा मेथड। पर आप एक चीज समझो, जब मैं मेथड से इतनी स्टेप लिखूंगा मेरा 1-2 मिनट चला जाएगा, वो टाइम बच गया तो एक क्वेश्चन बढ़ गया। जब भी एक आप कम लिख के या डायरेक्ट करके एक क्वेश्चन को जल्दी करते हो तो एक क्वेश्चन को बढ़ा भी रहे होते, एक साथ दो चीजें होती कि अगर आपने इसमें टाइम सेव किया तो एक क्वेश्चन बढ़ भी गया। एक समय में दो चीजें होती, जैसे अगर आपने मान लो कुछ नहीं पता और गलत बताया तो एक समय में 2 झूठ, ये क्या नहीं पता और आपने का कबूतर है ना। ये इसलिए एग्जांपल ऐसा देता हूं कि जीवन भर ना भूलो। मैंने पूछा ये क्या है, आपको पता ही नहीं था पेन है, आपने कहा सर कबूतर, तो मुझे समझ में आ गया कि इसको कबूतर भी नहीं पता कैसा होता है, क्योंकि अगर पता होता तो कम से कम इसको क्या नहीं बोलता। हाँ तो एक समय में 2 ज्ञान आपने दे दिए, तो इंटरव्यू पैनल यही करता है कि आपसे वो कुछ पूछता और आप गलत बताते हो, समझ जाता आप ये 2 चीजें गलत बता दिए। और याद रखना किसी भी जगह इंटरव्यू दोगे ये फैक्ट है 100%, पहला क्वेश्चन वो आपकी प्रोफाइल को देख के, हॉबीज को देख के पूछता है, और दूसरा क्वेश्चन वो आपके पहले क्वेश्चन के आंसर से पूछता है, जो आपने आंसर दिया उससे दूसरा क्वेश्चन। जितना बड़ा आंसर, जितना घुमावदार आंसर, उतनी खतरनाक आप फंसते हो। तीसरा क्वेश्चन पहले 2 क्वेश्चन के आंसर से पूछा जाता है, आप कभी भी देख लेना। इवन आप भी किसी का इंटरव्यू लोगे तो कॉमन बात है, और बस इंटरव्यू का तरीका यही है और कोई तरीका नहीं होता। तो आप जब भी देने जाओगे मेरी ये बात याद रखोगे, इसलिए याद रखना कि नहीं पता तो सॉरी बोल देना, तो एक चीज नहीं पता है, गलत बोला तो 2 चीजें नहीं पता है। तो ऐसी क्वेश्चन सॉल्विंग में कि अगर आपने इसको टेक्निक से किया है तो आपने 1 क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन किए, और आपने लॉन्ग मेथड से किया तो आपने क्वेश्चन कम किया। चलिए नेक्स्ट।
ए है 1 2 3 4 एंड बी है 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट सिंपल, ए यूनियन बी में पहले बताओ कितने एलिमेंट होंगे। ए यूनियन बी में कॉमन क्या है? 3 4। 5 एलिमेंट ए यूनियन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में 2, तो 5 2 10 तो यही हो गया। ठीक है, और डेल्टा सिंबल होता है याद हो तो, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए की ही शॉर्ट फॉर्म होती है ए डेल्टा बी। तो अब ए माइनस बी मतलब जो ए में हो और बी में ना हो, तो ए माइनस बी 1 2 है, बी माइनस ए कितना है 5 है, और ए माइनस बी यूनियन वो कितना हो जाएगा 3। तो इसमें मिले 5 एलिमेंट, इसमें मिले 2 और इसमें मिले 3, टोटल एलिमेंट हो गए 30। टोटल एलिमेंट हो गए 30। क्लियर? इफ एन इज इंटीजर बिटवीन 0 एंड 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम पूछे या मैक्सिमम। आप अब आपको मिनिमम पूछा है, आपको ही पता है मिनिमम मिडिल मोस्ट ही हो सकता है, फिर भी कंफ्यूजन हो तो उसका लॉजिक बताऊंगा। अब ऑप्शन तो दिए ही हैं। इफ एन इज इंटीजर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच फंक्शन इज मिनिमम और मैक्सिमम, तो आप ऑप्शन से ही कर लेते हैं। अब अगर 21 का मिडिल मोस्ट निकालोगे तो या तो 11 होगा या फिर 10। तो अब आप बताओ, आपको 10 तो दिया, 11 दिया ही नहीं, तो यही हो गया। फिर भी मन में कंफ्यूजन है तो आप रख के देखो, यहां रखोगे 10 तो फैक्टोरियल 10 इंटू बोलो फैक्टोरियल एक ही हो गया। मान लो आपने 9 रखा होता तो क्या होता, फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 12। अब फैक्टोरियल 12 में 12 बड़ा नंबर हो जाता, अगर आप 12 रखते तो भी क्या आता बताओ, फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 9। अब ये दो वैल्यू सेम है इसलिए दो आंसर आपको खुशी खुशी रिजेक्ट करने को मिल गए। और ये फैक्टोरियल 21 रखो तो ये फैक्टोरियल 0, पर फैक्टोरियल 21 बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब कोई ना भी पता हो मिडिल मोस्ट तो आपने ऑप्शन से कर लिया, हेल्प ऑफ ऑप्शन। मतलब आप पेपर को अगर होल्ड करके शांति से करते रहो ना, कम नॉलेज पे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और अभी तो आपके पास नॉलेज ज्यादा है, इतना इतना पढ़ते हो आप कि आप किसी से भी किसी के साथ बैठ जाओ आपका कोई मुकाबला नहीं है, पर आप अपने आप से मुकाबला नहीं करते हो बस। डन, मैक्सिमम आप निकालो, 0 रख दो, या आगे और पीछे की वैल्यू होगी ना वो भी अब आप ही को करना है, मैक्सिमम पूछा है। चलिए, ये क्वेश्चन सेट का निमसेट भी 3 बार आ चुका है, सोच लीजिए एक ही क्वेश्चन के पीछे पता नहीं क्यों पड़े हुए हैं वो पड़े रहते हैं। सेट के समय भी करवाया था, अभी फिर बता देता हूँ। सपोज ए वन ए टू ए 30 सेट ईच विथ 5 एलिमेंट, बी वन बी टू बी एन एन सेट ईच विथ 3 एलिमेंट, यहां पर एन लिखना था। आई इक्वल टू 1 to 30 ए आई, आई इक्वल टू 1 to ए में कितने एलिमेंट है पहले बताओ, हर 30 सेट्स हैं और हर एक सेट में कितने हैं 5 एलिमेंट है, तो 30 इंटू 5, ए के लिए आपके पास एक तरह से शॉर्ट में लिख रहा हूं 150 हो गए, और बी 150 एलिमेंट हो गए टोटल। सपोज ए वन ए टू ए थ्री आर 30 सेट्स, 30 सेट्स से मान लो ए वन ऐसा है जिसमें कोई 5 एलिमेंट के वो है, ऐसे 30 सेट्स हैं तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए 150 एलिमेंट्स हो गए ईच सेट विथ 3, और बी में कितने हैं एन सेट है और हर एक में कितने एलिमेंट है 3, तो 3n हो गए। अब उसके आगे पढ़ो, अब इन्होंने दिया हुआ है कि यू आई इक्वल टू 1 to 30 ए आई, इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं आई इक्वल टू 1 to n, n लिखना था वहां, बी जे इसको भी ऐसे लिख रहा है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग टू एग्जेक्टली 10 ऑफ ए आई, इसमें कितने ले रहे हैं 10 और 9 ऑफ बी। अब आपके पास 150 एलिमेंट हैं, आपको 10 10 एलिमेंट के सेट बनाने, तो 10 10 के बनाने तो ए से कितने बनेंगे 150 बाय 10, हर एक में 10, और बी बी में कितने एलिमेंट लेना है 9, तो ये कैंसिल एक बार 3 से 3 टाइम, तो एन कितना आ गया 45, ये हो गया आंसर। पहले भी कर रहा है कई बार, पर दोबारा बता दिया, और 3 बार आया हुआ और एक बार गलत आया था डेटा से तो कैंसिल हो गया था ये क्वेश्चन।
ए में टोटल 150 एलिमेंट है, एक सेट में 5 एलिमेंट, ऐसे 30 सेट्स हैं तो 150। बी में एक सेट में 3 एलिमेंट है और एन सेट्स हैं, और इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं, और आपको 10-10 एलिमेंट का ए का सेट बनाना है और 9-9 का, और दोनों को ऐसे डिनोट कर रहे हैं, तो इसके कितने हुए 150 बाय 10, दिस इज कॉल्ड एस, 3n बाय 9, दिस इज कॉल्ड एस। तो ऐसे इसको इक्वेट कर सकते हैं, इसलिए इसको इक्वेट किया मैंने, वो उन्होंने एस दिया हुआ तो दोनों को इक्वेट किया तो एन मिल गया। यानी हमें ये पता चल गया कि इसमें टोटल 45 सेट्स हैं और इसमें कितने सेट्स हैं, 30 सेट्स। डन, पहले भी कर चुके हो। अब ये भी जो है ना, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, पर इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाता हूं हर बार और अभी भी बताऊं। तो द एसेंट्रिक एंगल ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर रेक्टम ऑफ द एलिप्स क्या होता है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। जब एलिप्स में आएंगे अभी आगे तो बताऊंगा, पर ये फॉर्मूला याद रखना, पर ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं था। नहीं पता कोई बात नहीं, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अब आप इसमें पीएचडी करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ कर दोगे, जो करते हैं। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, ये क्वेश्चन कई बार क्वाड्रेटिक में आ चुका है, और खास बात यह कि हर गाइड में मिलने वाला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल दे ही देते हैं, कोई भी गाइड बनाएगा तो ये दे देगा, आप भी बनाओगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए पक्का होगा। क्या दिया, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा बीटा, मतलब एक्स मान लो इसको, एक्स स्क्वायर 5x + 3 = 0, इसके रूट है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना 5 और अल्फा बीटा बोलो 3। तो आपको ऐसी इक्वेशन बतानी जिसके रूट ही हो, तो प्रोडक्ट बताओ कितना हो जाएगा, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, ये 1, तो आपको 1 होना चाहिए, तो ऊपर वो उसका वो मिल जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब इसका अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन, मतलब अल्फा प्लस बीटा का, पता है ना ये सब, डन और नॉट करूं पूरा कि समझ में आ गया। ये भी प्रोबेबिलिटी में कई बार बताया, फिर भी दोबारा बताता हूं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन हु इज एक्स ईयर ओल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन हु इज एक्स ईयर ओल्ड विल डाई इन अ ईयर इज पी। द अमंग एन पर्सन ए वन टू एन ईच एक्स ईयर एक्स ईयर ओल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट ए वन विल डाई इन अ वन ईयर। ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया था उस समय चैलेंज, एंड फर्स्ट वन इज ए वन, वो करके पूछा था, ये पहले आपको दिया हुआ पेपर में। तो आप बताना है कि डाई होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है पी, तो एक एटलीस्ट बोला ना ए वन विल डाई इन वन ईयर, तो कोई भी हो सकता है। तो पहले मैंने बोला 1 माइनस कोई भी डाई ना हो, और ए वन फर्स्ट हो तो क्या हो जाएगा, टोटल एन लोग हैं और उसमें ए वन फर्स्ट है तो 1 बाय एन, तो 1 बाय एन 1 माइनस 1 माइनस पी की पावर एन। ये थोड़ी सी लैंग्वेज में इनकम्प्लीट है, करवा दूंगा। ओके, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ए और बी के बीच का एंगल कितना है बोलो, 120 डिग्री, मॉड बी दिया है 2 मॉड ए, मतलब अगर मैं बोलूं ए डॉट बी कितना होगा तो आप बोलते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस 120 डिग्री, ठीक है। तो ए डॉट बी मॉड ए को मॉड ए रहने दो, मॉड बी को क्या लिख सकते हो, 2 मॉड ए cos 120 की वैल्यू -1/2, तो मॉड ए का होल स्क्वायर इक्वल टू -a.b, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बोला क्या बताओ, देन द वेक्टर, ये बोले हैं राइट एंगल है, तो बताना एक्स क्या होगा, तो बहुत ही सड़ा क्वेश्चन हो गया। तो राइट एंगल है तो ए प्लस एक्स बी वेक्टर डॉट, मतलब क्वेश्चन देख लो आप कितनी बेसिक नॉलेज थे, और आप इसका मल्टीप्लाई करो, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी प्लस, नहीं प्लस नहीं, माइनस एक्स इंटू मॉड दिस शुड बी जीरो।
ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो, मॉड ए का स्क्वायर, तो लिख दो सबको, ये मॉड ए स्क्वायर है, लिखा रहने दो, एक्स इंटू माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स इंटू मॉड ए स्क्वायर, ये बोलो, प्लस हो जाएगा, तो प्लस मॉड ए स्क्वायर, और मॉड बी स्क्वायर को लिख सकते हो, तो फोर एक्स इंटू बोलो मॉड, अब मॉड ए स्क्वायर पूरी इक्वेशन से कैंसिल, तो क्या बचा, वन माइनस एक्स प्लस वन माइनस, तो 5x इक्वल टू टू, तो x इक्वल टू 2/5। ओके, पेपर के एनालिसिस के बाद आपको पता चलता है कि 500 आ सकते थे, तो आप 24 की जगह 25 के लिए सूटेबल हो, और पेपर में ही पता चल जाए 500 आ सकते थे और 500 आ गए, तो 24 के सूटेबल हो, सिंपल सा लॉजिक है। पेपर के बाद तो आपको सब पता चल जाता है, और मेरे बाद तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन है ही नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ होती है, जो पेपर में आते हैं वो अलग होते, जो मैं देता हूँ वो बिल्कुल, मैं जब करवाता हूँ तो कहीं से ढूंढ के सबसे इजी क्वेश्चन ला देता हूँ। इफ अ नंबर, कई बार किया हुआ प्रोबेबिलिटी में, फिर भी दोबारा करते हैं, इफ अ नंबर एक्स इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम नेचुरल नंबर 120 प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर इज ग्रेटर देन 29। तो अब एक बात आपको पता, अगर आपने 29 रखा, 29 प्लस तो हो गई, तो 29 से लेके 100 तक तो सारे नंबर हैं ही, अब इसके अलावा भी होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले 28 रखो, बिल्कुल होगा, 27 रखो, ये भी होगा, 26 रखो, ये भी होगा, 25 रखो, नहीं होगा, क्योंकि ये 25 प्लस 4 29 होगा, और ग्रेटर देन लिखा है, यानी कहां तक के हैं, 28 27 और 26, यानी ये 75 नंबर तो यही होगा, 75 ऐसे कि 26 से काउंटिंग है, पहले के 25 छोड़े, ये बहुत गड़बड़ होती है, कई बच्चे इसको 74 गिन लेते हैं, आपके पास कितने होगा, ये 75। अब आगे आओ, वन रखो, होगा, टू रखो, होगा, क्योंकि 53 रखो, होगा, फोर रखो, नहीं होगा, तो तीन नंबर ये और होगा, तो 78/100, तो कितना, 39/50, प्लस एक भी नंबर आगे पीछे गिन दिया तो ये क्वेश्चन उससे गलत होगा। किस समय किस कैलकुलेशन की मिस्टेक होती है वो पता होना चाहिए, इसमें मिस्टेक होगी काउंटिंग की, जो आपने नर्सरी KG1 KG2 में सीखी थी, जहां आपने टॉप किया था, थोड़ा याद करो, जिन क्लास में टॉप किया था वो वाली गलतियां तो मत करो, नहीं तो उस मार्कशीट को जाके टीचर से चेंज करवा, ये गलती से दे दी थी आपने। हाँ और क्या, उस पे जाके बोलो उनको गलत दिया था, मैं डिजर्व नहीं करता था। एक तो KG1 KG2 में जो बच्चा भोला क्यूट होता है उसको वैसे ही नंबर मिल जाते हैं, और लगभग हर बच्चे भोले और क्यूट होते हैं, है ना। बच्चा कोई भी हो, चाहे जानवर का हो चाहे इंसान का, हमेशा क्या होते हैं, क्यूट होते हैं, बड़े होने के बाद ही पता चलता है कि क्या है वो। चलिए क्लियर, चलिए, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट का, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट, टू मेथड, या तो आप एक्स और वाई मान लीजिए और उससे कर लीजिए सबसे, है ना, या फिर वेन डायग्राम से कर लीजिए, मान के करेंगे तो जब भी कॉम्प्लीमेंट है तो सबसे पहले क्या लगता है, यूनिवर्सल सेट, और एक्स और वाई दो की बात कर रहे हैं तो ले लो 1 2 3 4 5, एक्स ले लो इवन नंबर, वाई ले लो प्राइम नंबर, कॉमन भी हो गया, प्रॉब्लम भी खत्म, बोलो। और अब बताओ एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, वैसे जरूरत नहीं पर होता तो क्या होता, 1 3 5, वाई कॉम्प्लीमेंट क्या, 1 4, बस खत्म। अब बताओ पहले तो एक्स यूनियन वाई क्या हुआ, 2 3 4 5, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट केवल 1। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, इनका क्या हुआ बताओ, 4, और इन दोनों का इंटरसेक्शन, एम्प्टी सेट। अब या वेन डायग्राम बना लो या वैल्यू ले लो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो वो करो, ये इसमें कंफ्यूजन कम होता है, बाकी वेन डायग्राम से भी कर सकते हो।
कल इसकी रीजनिंग भी डिस्कस करेंगे एलआर। यह हाइपरबोलिक फंक्शन का एक क्वेश्चन आ गया था उस साल, जो कि फॉर्मूले पे बेस्ड था। हाइपरबोलिक फंक्शन भरा हुआ था इस साल, वो एक भरा हुआ क्वेश्चन ही है, ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्या दिया था इसका आंसर? बी दिया होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है वो, पर अभी इस पर बाद में डिस्कस करेंगे जब इंटीग्रल पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, बताओ क्या दिया है? e1 क्या है? i प्लस j प्लस k। a प्लस 2b वेक्टर क्या दिया है? i प्लस j माइनस k। आपसे पूछा एंगल बिटवीन a एंड b, तो a डॉट b इज मॉड a मॉड b cos थीटा। अब आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? a और b, बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन दिए होते हैं। या तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो, या इसमें 2 का कर दो। इसको एक्स वाई जैसा मान लो, आप ऐसा सोच लो, अभी 2x प्लस y इक्वल टू i प्लस ऐसा दिया है, और 2a ही रहने तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 2a और ये 4b, 2 2 और तो बोलो माइनस 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 3b वेक्टर कितना आएगा? माइनस आई माइनस जे प्लस 3k। तो इसका मतलब 3b वेक्टर है ना, तो b वेक्टर कितना आ गया? आई प्लस जे प्लस सॉरी माइनस 3k अपॉन 3। ये b आ गया, ऐसी a निकाल लोगे और a डॉट b निकाल दो। नीचे 3 आने से पता चला 9 होना चाहिए, हो सकता है 11 पूरा। अच्छा, उसके साथ भी तो होगा, इनके मॉड का डिवाइड देख लेना आप। क्लियर और नॉट? ये देखिए, बटा से और पैरलोग्राम, पैरलोग्राम के वर्टेक्स दिए हुए हैं P 1 2। आप जिन क्वेश्चन को रेगुलर बेसिस पे मुझसे बोलते हो सर छोड़ दो बन जाएगा, वो PYQ में आते हैं। आप बोलते हो ना कहो सर ये छोड़ दो, ये डाउट मत बताओ, ये छोड़ दो, वो PYQ में आते है ना, तो इसको समझ लो अच्छे से। इन दोनों का क्या होगा? ये मिड पॉइंट। छोड़ दीजिए सर, वो आ गया, जो चीज आप छोड़वाते हो वो आ जाती है। तब थोड़ा केयरफुल रहना, आप जो बोलते हैं ना सिंपल क्वेश्चन छोड़ दो, समझ जाना ये चांसेस है एग्जाम में आने के। स्क्वायरिंग करके क्या कर दोगे? ऐड, तो 4 प्लस 9 13। द थ्री थ्रो ऑफ थ्री डाइज, द प्रायोरिटी थ्रोइंग टिपलेट नॉट मोर देन ट्वाइज, नॉट मोर देन ट्वाइज मतलब तीनों बार टिपलेट ना है। टिपलेट मतलब ये होता है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 एंड अब थ्री थ्रो ऑफ थ्री डाइज है, तो ये एक अपने आप में एक पूरा पेयर है। तो लिखा हुआ द प्रायोरिटी ऑफ थ्रोइंग टिपलेट नॉट मोर देन ट्वाइस, तो दो बार से ज्यादा ना है, मैं कह रहा हूं तीनों बार आ गया, तो और वन माइनस कर दो, तो तीनों बार आ गया, तो इसका एक ये 6 केसेस हैं, तो 6 अपॉन 6 का क्यूब, तो 1 अपॉन 36। और ये ना, और इसको कितने बार करना है? 3 बार। और उसमें भी खास बात क्या है कि 1 माइनस, क्योंकि ये तो आने की बात है ना, आने की 1 माइनस कही है। प्रोबेबिलिटी के समय करवाया है, पर अभी आपको सब दोबारा करवा दिया मैंने। डन। इसको अगर टी मानो तो ये इसकी पावर है, ये इसकी पावर, ये थोड़ा गलत लिखा, ऐसा लिखना था 3 पावर 3 पावर 3 पावर x, ये ऐसा लिखा, ऐसा होना चाहिए था।
तो इसको 3 बार करोगे तो लॉग का क्यूब आना चाहिए था, तो 3 पावर 3 पावर 3 कहाँ है? जब इंटीग्रल पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, पर वैसे इसमें इसको टी मानना होता और इंटीग्रल ए पावर एक्स होता है ए पावर एक्स अपॉन, तो 3 बार सब्स्टिट्यूशन से नीचे क्यूब आ जाएगा। देर आर 15 क्वेश्चन पेपर, फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट वन और मोर क्वेश्चन। वन और मोर मतलब 50 में से एक भी कर सकता है, दो भी, तीन भी और 50 भी, केवल जीरो नहीं करना है। तो 2 की पावर 50 माइनस 1। करवाया हुआ पहले, पर ये उस साल गलत आया था और ये 23 में भी रिपीट था, पर 23 में उन्होंने करेक्ट करके दे दिया था, 21 में गलत था, 23 में रिपीट करा था तो सही कर दिया था। डेटा करवाया था ना मैंने स्टेटिस्टिक्स के समय, ठीक है। अब ये 50 क्वेश्चन तक पहुंच गया, कुछ क्वेश्चन छोड़े, कितने छोड़े होंगे? 10 से कम छोड़े होंगे ना, जो आपको बार बार समझा रहा हूं इस बात को समझो, 4-5 ही छोड़े, पर मैं तो कह रहा हूं हायर साइड चले जाओ, हायर साइड चले जाओ, कुछ एक क्वेश्चन चलो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही मान लें, तो 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं छूटते। इस नजरिए को जिस दिन पकड़ लोगे आपका स्कोर मैथ्स अकेले में 500 प्लस हो जाएगा। चलो अब रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं कौन कौन से छूटे, अब देखते हैं गिनते चलना। करिए अब इसको थोड़ा शॉर्ट में बताने का तरीका बताता हूं। डीवाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन, और वो भी इसलिए छोड़े हैं इसको जिसे भी पढ़ाया नहीं था, √1 - x², ठीक। तो अगर मैं इसका और इंटू डिफरें, अगर कुछ और है तो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिए, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन √1 - f(x)² इंटू डीवाई बाई डी एक्स, बोलो एफ एक्स। आप सोचो 50 से मैं आया तो 24 पे आके पहला क्वेश्चन मिला जो छोड़ा, यानी 25 क्वेश्चन में कुछ नहीं छूटा, और कितने कंफर्ट जोन में करा आपने। और ऑनेस्टली बोलो मुझे इनको करते हुए एक ही चीज फील आई, कई बार आप मुझे बोलते हो मैं करवा देता हूं, सर इसको छोड़ दो हो गया, इसको छोड़ दो हो गया, वही पूरा पेपर पीवाई क्यों आ जाता है, आप छोड़वाया मत करो, वही क्वेश्चन आ जाते हो और आप बाद में करते नहीं हो। यस चलिए अब मैं करता हूं इसको, तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ करिएगा। जब आप इसमें लिखेंगे 1 अपॉन √1 - x² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3x² + x की पावर 4, ठीक है, वो अंडर रूट था तो अंडर रूट खत्म हो गया। अब जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1 + 3x² + x की पावर 4 - x की पावर 4 - 2x² - 1, तो आपको मिलेगा 1 + x² 1 भी नहीं मिलेगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बता, और x पावर 4 से तो 3x² में से 2x² गया तो कितना x² और अंडर रूट है तो क्या बचेगा x बचा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ बोलो कितना x² + 1 upon √1 + 3x² + x power 4। तो इस पूरे रिजल्ट का क्या आया 1/x, अभी उसको डिफरेंशिएट करना है। ये इतना क्लियर है पहले अच्छे से, और ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम में जाएगा तो नहीं, हाँ ये एलसीएम में जाएगा तो ऊपर अंडर रूट में आएगा जो इसके साथ बाद में कैंसिल होगा। इसको 10 में बना सकते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में दिख रहा है आप इसको ऐसा करो, देखो समझना पहले ये क्या लिखा है साइन इनवर्स, तो x² + 1, और अगर ध्यान दो तो
ये लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, जो मैं पहले भी बोल रहा था, एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो आप अगर आप ध्यान दो तो पैथागोरस थ्योरम से ये एक हो गया, तो ये कितना रहा होगा एक्स स्क्वेयर। तो आप बताओ क्वेश्चन क्या हो गया, क्या रहेगा एक्स रहेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ टेन इनवर्स क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, ओके अब तो ये हो जाएगा आपसे, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इन टू डीवाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। बोलो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो एक्स फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये नहीं आएगा माइनस बीच में, ये नहीं आएगा, नीचे दोनों के ये बैलेंस हो गए। अब इसका डिफरेंशिएशन और कर लो, तो x इसका बोलो 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, तो 2x स्क्वायर में से गए तो माइनस आना चाहिए, तो a इज अ राइट आंसर, माइनस आएगा। माइनस प्लस में 24 25 23 का अंतर है, क्लियर। ये पहला क्वेश्चन था, छोड़ा था वो भी इसलिए कि कैलकुलस नहीं पढ़ाया था, पर ये टफ नहीं था। अभी ध्यान रखना, मतलब अभी काउंटिंग में एक भी नहीं निकला, वो एक आप हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं पता तो लीव कर सकते थे, पर कैलकुलस पढ़ाते हुए फॉर्मूले बताता हूं हमेशा, और वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अभी देखते चलो आप पेपर, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं हम। ये तो पांच चार पांच भी नहीं छूटे लगते। पांच क्वेश्चन भी नहीं छूटे थे, एक ये है और एक एरिया अंडर कर्व का छोड़ा, थ्री क्वेश्चन थे उसमें कैलकुलस वाला इजी था। अब ये मतलब आप सोचो चार पांच क्वेश्चन भी टफ नहीं थे, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं दस मान लो आप तो हायर साइड चले जाओ, हायर साइड जाओगे तो अपने आप ही आपकी प्रॉब्लम खत्म। चलिए अब देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए सब जगह लॉग टू लिखा, तो लॉग टू की सीरीज क्या होती है, लॉग टू की सीरीज होती है वन माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर प्लस वन बाय फाइव माइनस वन बाय सिक्स एंड सो ऑन। कैसे निकलती है लॉग वन प्लस एक्स की सीरीज, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स फोर बाय फोर, ऐसी होती है। और अगर ये वैलिड होती है माइनस वन से प्लस वन के लिए, और इसी में एक्स की जगह जब वन पुट करते हैं तो लॉग टू की सीरीज मिलती है, बेस ई होता है, तो वन माइनस वन बाय टू। अब ये क्वेश्चन किसी ने एग्जाम में छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे लॉग पढ़ाता हूं हमेशा मैं लॉग सीरीज, पर मान लो ठीक है कोई बात नहीं, एल आर भी तो करना है, देखने के लिए थोड़ी दी एल आर, करने के लिए दिए। दो सीरीज होती है, अब क्योंकि रिवाइज करवा ही रहा हूं तो पूरा करवा देता हूं, एक सीरीज ये होती है और एक होती है लॉग वन माइनस एक्स की, एक्स माइनस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस का एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस का एक्स फोर बाय फोर एंड सो ऑन। ये सीरीज वैलिड होती है माइनस वन से प्लस वन के लिए, इसमें वन इंक्लूड नहीं है, इसमें माइनस वन इंक्लूड नहीं है, लॉजिक से भी समझ में आता है, वन रख दोगे तो लॉग जीरो नॉट डिफाइंड, माइनस वन रख दोगे तो लॉग जीरो नॉट डिफाइंड। कभी भी मैं आपको देख लेना पीवाई क्यू करवाऊंगा स्मूथली होगा, एफएलटी होगा, टाइम लगेगा, उलझोगे कम बनेंगे, पीवाई क्यू मतलब इजीएस्ट पेपर। अब आप सोच लो कि आप जो पेपर देने वाले हो इजीएस्ट है,
दिमाग की रोप पे कितने दिमाग से कैसे जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो पक्का पेपर टफ नहीं आएगा, टफ तो दिमाग में होती ही चीज है। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो बताता हूं। इससे वैसे चार फॉर्मूले बनते हैं, अब जब इतना लिखवा ही रहा तो लिख लो, एक बार इसको ऐड कर दो तो एक फॉर्मूला ये बनता है, लॉग वन प्लस एक्स प्लस लॉग, और ये ऑट ये सॉरी ऑट कैंसिल होते हैं तो माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय टू एक्स फोर बाय फोर एक्स सिक्स बाय सिक्स, और एक बार सबट्रैक्ट कर दो तो एक फॉर्मूला और बनता है, सबट्रैक्ट करते हो तो ये फॉर्मूला बनता है, लॉग वन प्लस एक्स माइनस लॉग वन माइनस एक्स इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ, ये पूरा प्लस हो जाता है, तो एक्स एक्स क्यूब बाय थ्री एक्स पावर फाइव बाय फाइव, और इसको आप चाहो तो लिख सकते हो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, इसको लिख सकते हो लॉग का होल स्क्वायर। ऐसे चार फॉर्मूले आपको मिलेंगे, वन टू थ्री एंड दिस इज फोर, लिख लो चारों। क्लियर, अभी क्वेश्चन पे तो हम पहुंचे ही नहीं है। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आया, आपने लॉग सीरीज पे कमांड नहीं है, नहीं बनता, आप छोड़ दो, आप क्यों उलझ के आप इसमें दम लगा रहे हो, है ना, आगे क्वेश्चन बहुत करने के लिए। कभी भी किसी पेपर के साथ एक चीज याद रखना, आप दो चार क्वेश्चन जैसे ही छोड़ते आपका पेपर कंफर्ट जोन आ जाता है, वो आप लाते नहीं हो, आप खुद ही उसको वैसा कर लेते हो। देखिए अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से करा जाता है, ओमेगा मेथड से भी किया जाता है ये स्पेशली क्वेश्चन। बाकी वन माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स प्लस, यही होता है, तो ये तो लिखा हुआ है कहाँ, वन माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, तो वन प्लस एक्स का क्यूब कर लो, तो वन प्लस एक्स ठीक है, वन प्लस एक्स अभी सही लिखा है, तो अब इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन में दोनों तरीके से बताऊंगा, लॉग वन प्लस एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर बताओ क्या बन गया, वन प्लस एक्स का क्यूब अपॉन, अब आप इसको लिख सकते हो लॉग वन प्लस एक्स का क्यूब माइनस लॉग वन प्लस एक्स, राइट, इसको ओपन करोगे तो क्यूब के मल्टीपल मिलेंगे, इसमें सारे मिलेंगे, हमारा केवल ऑब्जेक्ट है, देखो पूछा क्या पहले समझना, ए थ्री ए सिक्स ए नाइन एंड सो ऑन, ए थ्री किससे निकल के आएगा बताओ, लॉजिकली बताओ तो एक्स क्यूब से, ए सिक्स किससे निकल के आएगा एक्स सिक्स से, ए नाइन किससे निकल के आएगा एक्स नाइन से, तो मुझे ये कोफिशियंट चाहिए, राइट, पहले ये लिखो इतना फिर पूरा करवा रहा हूं। अब देखिए अब आप एक बार बताइए, आप जब लॉग वन प्लस एक्स क्यूब लिखेंगे तो आपको इसका एक्सपांशन कुछ ऐसा मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स सिक्स बाय टू प्लस एक्स नाइन बाय थ्री माइनस एक्स ट्वेल्व बाय फोर, यस और नो, और जब आप लॉग वन माइनस एक्स की सीरीज लिखेंगे, वन प्लस एक्स की, आगे माइनस लगा वो बाद में ले लेंगे, तो आप लिखोगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स फोर बाय फोर प्लस, ऐसे ही लिखोगे। अब आपको क्यूब के कोफिशियंट निकालना, जैसे एक्स क्यूब का कोफिशियंट बोलू, सबसे पहले आपको निकालना है ए थ्री ए सिक्स ए नाइन एंड सो ऑन, तो बताओ एक्स क्यूब का कोफिशियंट यहां कितना है, वन, और यहां कितना है, अब इसके आगे माइनस है ऐसा सोच लेना, तो बोलो यहां कितना है, माइनस वन बाय थ्री, राइट, फिर बताओ इसके बाद एक्स सिक्स का कोफिशियंट कितना है, माइनस वन बाय टू, और यहां पर एक्स सिक्स पे क्या मिलेगा, यहां पर एक्स फाइव बाय फाइव माइनस एक्स सिक्स बाय सिक्स, तो आप मिलेगा प्लस का, तो प्लस का कितना मिलेगा, वन बाय सिक्स, ठीक है, ऐसा आपको निकालना पड़ेगा। अब एक और बताओ उसके बाद वाला, तीन टर्म से काम हो जाएगा काफी कुछ,
ये जो सीरीज लिखी ना, जैसे लॉग टू, इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि लॉग टू की सीरीज सीधे सीधे क्या होती है, 1 - 1/2 + 1/3। अभी देखते हैं लॉग टू है कि नहीं, अभी लिखते चलो। 1 - 1/2 मिल गया है, फिर उसके बाद आना चाहिए था कितना, तो वो अभी हमें ऐड करना पड़ेगा। अगला टर्म बताओ क्या आएगा, 1/3 - 1/9, यस और नो? तो अब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं बताता हूं। सबसे पहले आप पहले वाले टर्म अलग कर लो, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, ऐसा मिलेगा। ठीक, अब इसमें से मैंने -1/3 कॉमन ले लिया, तो बोलो 1 - 1/2 + 1/3। अब क्योंकि अगर आपने लॉग अच्छे से नहीं पढ़ी तो हो सकता आज अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं, तो ये किसकी सीरीज हो गई, लॉग टू की, और ये लॉग टू की, तो कितना आ गया, 2/3 log 2। ये इसका फंडामेंटल कंसेप्ट था। ओमेगा से थोड़ा और लंबा होता है, ये सिंपल मेथड है जो बताया। भाई इसमें तो सीधा सीधा 1 रख दो, आप 1 रख दो, तो 1 - 1/2, ये तो log 2 की सीरीज है ही जो आपको पहला मिला है। इसमें से ढूंढना था आपको बस, ये जो दो फैक्टर बनाए, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं, कि इसमें अगर 1 रख दो तो ये तो सीधा एक्स क्यूब का ही मल्टीपल है, इसमें तो सारे a3 a6 ही आ रहे हैं, तो ये log 2 है। 1 रखो, देखो 1 रखा तो log 2, और 1 रखा तो 1 - 1/2 + 1/3, वो आ गया। दूसरे वाले इक्वेशन में से आपको इस वाले कोफिशियंट से निकालना था, 3 वाले, और 1/3 जैसे ही कॉमन लिया तो लॉग टू की सीरीज देखने लग गई। पर ये क्वेश्चन नहीं बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं, बल्कि खुशी की बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले बच्चे को भी टाइम लगेगा ये क्वेश्चन करने में। पहला बात लॉग का स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, दूसरी बात फिर टाइम टेकिंग क्वेश्चन, दोनों चीजें थी। करेला और उसपे भी क्या सुना आपने, करेला और नीम चढ़ा, मतलब करेला करेला पहले ही कड़वा होता है, उसपे और क्या चढ़ा दिया आपने, नीम, और अब बोलना खा लो आप। ओके, बस ये 1/3 का खेल था, आपको ऐसे नहीं लिखना तो मत लिखना, जो मैंने तरीका बताया वैसे लिख के भी कर सकते थे सीधा सीधा। एक लास्ट ये भी कर लेते हैं। अब देखो इसमें टेन एक्स को कहां से कहां तक डिफाइन किया है, -π/3 से +π/3, और कॉट एक्स को कहां से किया है, नहीं +π/6 से 3π/2। पर हमें एक दिक्कत है, हम π/3 से आगे नहीं जा सकते और π/6 से पीछे नहीं जा सकते, दोनों का कॉमन एरिया भले ही बहुत बड़ा कर्व दिया है। तो अब आपको इसको ये समझना है, ये ओवरऑल टाइम टेकिंग क्वेश्चन था कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको इनके ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जैसे टेन एक्स में -π/3 से बोला है और +π/3 तक बोला है, पर हम π/6 से ही काउंट करेंगे, तो टेन एक्स का ग्राफ ठीक π/2 पे ऐसा होता है, इस तरह से बनता है, ये हो गया टेन। कॉट की बात करें तो कॉट में उल्टा चलता है ये, लाइक दिस। तो ये जो है ना, ये एरिया आप कहां से स्टार्ट करना है बताओ, π/6 से स्टार्ट करना है, तो कॉट π/6 यहां कहीं होगा ये, लाइक दिस। और कहां तक जा सकते हो, ये ठीक π/4 पे मीट कर रहा है, तो कहां तक जा सकते हो, π/4 तक, वो सॉरी π/3 तक, और ये मीटिंग पॉइंट क्या है, π/4। तो आपको एक ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये निकलेगा टेन से, और ये वाला जो एरिया है ये निकलेगा कॉट से। तो आपको करना ये था कि π/6 से π/4 में टेन एक्स को इंटीग्रेट करना है, प्लस π/4 से π/3 में कॉट एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का मतलब था। कर लो अभी, जिसको थोड़ी बहुत भी डेफिनेट आती तो करने में नुकसान थोड़ी, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपने अभी करे। कौन सा कर्व है, ये कॉट वाला कर्व है, यही तो खास बात है, इसमें बच्चे ही गड़बड़, ये टेन वाला कर्व है।
और ये -π/3 से स्टार्ट हो रहा है, 10 वाला कर्व भूलना नहीं है। और क्वाड वाला कर्व कहां तक जा रहा है, 3π/2 तक, बहुत आगे। जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लिए जाते हैं जिससे कर्व बाउंड होता है। और याद रखना ये बाउंड वाला कर्व ये है, बस इतना ही है। और ये अब इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स, बड़ी मुसीबत है, क्या होता है लॉग sec x या लॉग माइनस लॉग cos x, और इंटीग्रल ऑफ cot x लॉग sin x, ये माइनस लॉग cos x भी लिख सकते हो, बस वैल्यू रख के निकालनी, इसलिए तो लॉग के टर्म में। देखो लॉग क्यों है, क्योंकि इंटीग्रल में ही लॉग आता है। अब अपने हिसाब से ढूंढो, पूछो कितने क्वेश्चन थे जो आपको आते थे और आपने नहीं किए, कितने नहीं आते थे वो छोड़ दो, जो आते थे वो क्यों नहीं किए, दुख की बात वो है, दुख की बात ये नहीं जो नहीं आते थे, कुछ चीजें हो सकता नहीं आती हो, स्पेशली जो टॉपिक पढ़े नहीं उनके नहीं आने का कोई अफसोस नहीं। क्लियर, वन तो कर लिया था हमने, ये पूरा पेपर कंप्लीट। इस पेपर को आप खुद अपने ढंग से इवेल्यूएट करिए, पॉइंट दीजिए कि कितने क्वेश्चन थे जो आपके लिए लेंदी थे, कितने सिंपल थे, कितने टाइम टेकिंग थे। मुश्किल से टाइम टेकिंग 4-5 लगे मुझे, उसमें एक थोड़ा सा ये क्योंकि एरिया अड्डा कर रहे, पहले सही डायग्राम फिर सॉल्व करना, एक ये क्वेश्चन था टाइम टेकिंग और बीच में एक दो क्वेश्चन और आए थे बस, हार्डली 5 मान लो, आप अपनी तरफ से 10 ले लो, नहीं तो पूरा पेपर इतना स्मूथली कर सकते थे स्टार्टिंग से कि कोई दिक्कत नहीं जाती। अब इस वीक ध्यान रखिए, अब FLT 22 से 23 होगा और प्लस कोऑर्डिनेट का फुल लेंथ टेस्ट होगा, मतलब पूरी कोऑर्डिनेट हो गई है तो कोऑर्डिनेट का फुल लेंथ टेस्ट होगा। चलो अब ये एंड कर रहा हूं सेशन, कोऑर्डिनेट पे अच्छे से काम करो इस वीक, अब जो क्वेश्चन आपको बाई चांस समझ में नहीं आएगा फिर सॉल्व करना इसको, कर देता हूं पहले, इतना क्लियर है। ये हो गया लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स भी लिख सकते हो, सेक एक्स लिख सकते हो, जो लिखना चाहो। प्लस लॉग साइन एक्स π/4 से π/3, सबसे पहले π/4 रख दो, तो लॉग √2 माइनस लॉग π/6 कितना 2/√3, ठीक। अब इधर आ जाओ, प्लस लॉग √3/2 माइनस लॉग √1/√2। अब देखो ये दोनों प्लस माइनस है और ये दोनों भी प्लस माइनस है, तो इसको लिखोगे लॉग √2 प्लस लॉग √2 लिख सकते हो अपॉन से, प्लस बोलो लॉग √3/2 प्लस लॉग √3/2 लॉग m इंटू एन, तो ये हो गया लॉग 2 प्लस लॉग 3/4। अब ये लॉग m इंटू एन से, तो लॉग 3/2, तो लॉग 3 ये कैंसिल हुआ था, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था, आंसर यही आएगा। क्या आया था आपका? हाँ यही आंसर था इसका, ये क्वेश्चन चैलेंज हो गया था, पहले तो टाइम लगाया बच्चों ने और फिर उसके बाद भी नहीं निकला, फिर दोबारा करा। चूज द वर्ड विच इज द सेम रिलेशनशिप एमंग गिवन द वर्ड, क्या लिखा ये येलो ब्लू रेड, आपने बिफ ग्योर सुना होगा, सुना है, तो बिफ ग्योर में कौन से कलर आते हैं, कौन सा कलर आएगा इसमें, ऑरेंज।
ये बिब गोर के कलर है, ये जनरल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये एक चार्ट है, अभी इस पे थोड़ी देर में आते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा एनालिसिस मतलब, पर इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये एक्चुअल पेपर है, हर क्वेश्चन वही है जो पेपर में आया, और 23 का भी अलाट डिस्कस कर लिया, 22 का भी, आप अगर सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तो सही में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं। आप देखो 10 के बाद 7 है, तो ऐसी सीरीज 2 से बनी थी, 1 7 13 19, 10 20 30 40, और 19 के बाद 7 का गैप कितना कितना 20, तो सॉरी 6 का गैप है तो 25, तो कौन सा हो गया 40,25, यस और नो? चलिए ये भी अभी थोड़ी देर में आते हैं, ब्लड रिलेशन का है, और मैंने पढ़ाते समय पढ़ाया और अभी दोबारा भी करवाऊंगा, पर पहले सिंगल क्वेश्चन देख लेते हैं। जेड इक्वल टू 52, ये देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए, जेड 52 है, जेड वैसे होता है 26, यानी हर लेटर डबल है, जैसे ए की ए कितना होता है 1, तो ए का मतलब 2C होता है, 3 तो 60 कितना नंबर होता है 20, तो ये 40, ये देखो इनका सम 48। तो आपसे पूछा BAT, तो B2 का मतलब 4, एक 1 का मतलब 2, और यहाँ पे टी का मतलब दिया है, मतलब आपको काउंट भी नहीं करना, अगर थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हो आप तो टी बड़ा नंबर था वो दिया हुआ, कितना हो जाएगा 46। और ये किसी और का पेपर नहीं है, याद रखना ये पेपर 22 वाले बच्चों ने दिया हुआ है। फाइंड द मैचिंग टर्म्स म्यूजिक और गिटार, तो परफॉर्मर है ना, ये तीन चीज हो गई, म्यूजिक गिटार परफॉर्मर, तो आप क्या बोलोगे? हाँ ट्रिक रोप और एक्रोबेट, ठीक है, ये जनरल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा मैं 7 इक्वल टू 35, इन तीन कंसेप्ट से आप पकड़ लोगे कि क्या लिखा, 80 इंटू 4, 40 प्लस 3 इक्वल टू 6, तो समझ में आ गया, ये डिवाइड का सिंबल है, देखो 80 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड 42, और 2 और ये मल्टीप्लाई का 2 3 जा 6, तो आपसे पूछा क्या है 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, तो 3 3 जा 9। क्वेश्चन के लेवल देखो आप, आगे के दो देखने नहीं पड़े, देखते तो वो भी हो जाता कि 9, ये 3 हो गया, 3 इंटू 8 24, इतना इतना देने की जरूरत नहीं थी, तीन तीन दे दिए, मतलब बिल्कुल ही ऐसा दे के रखा है कि प्राइमरी के बच्चे पेपर दे रहे हैं, एक भी बहुत था ये देने के लिए, था ना एक बहुत, तीन तीन दे दिए कि बिल्कुल बच्चे को लॉलीपॉप दे दो, ये एक्चुअल पेपर है इसलिए ऐसे ही होगा, जब भी PYQ करता हूं मेरे को यही वर्ड आते हैं, और कुछ कर भी नहीं सकता, आप खुद भी फील करते होगे यही। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है, और ये 21 है, ठीक है, किस ऑर्डर में बढ़ रहा है, 1 इंटू 2 2 2 इंटू 3 6, प्लस भी हो रहा है क्या कुछ, या लेटर से देख लो, हाँ लेटर से, क्यू के बाद बोलो एस कितना गैप है, एस के बाद यू, यू के बाद डब्ल्यू, अच्छा एफ ई डी सी डी ई एफ, तो यहां पे बी आना चाहिए, तो बी सब में इसमें नहीं है, एक चीज तो पक्की हो गई कि बी आना चाहिए, एक ऑप्शन खत्म, फिर बोलो क्यू के बाद एस, सब में वाई है तो बात खत्म हो गई, तो वाई हो गई, अब नंबर की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो अब बताओ मुझे 1 2, ये इनके नंबर से तो कुछ नहीं, क्यू कितने नंबर पे होता, तो ठीक है 1 2 6 21, 1 इंटू 1 प्लस 1, देख लेते हैं, बोलो देख लेते हैं, ये हो गया 2 2 इंटू 2 प्लस 2 6, 6 इंटू 3 प्लस 3 21, तो 21 इंटू 4 प्लस 4, तो ये हो गया 84 प्लस 4 88 है कहीं, बस ठीक है, पर एक्चुअल पेपर का एनालिसिस आप मेरे साथ जरूर करा करो, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बता पाता हूँ वो एक्चुअल पेपर में कई चीजें वैसी होती हैं जो बता पाता हूँ, मॉक पेपर में अलग अलग लेवल रखना पड़ता है, इतने मॉक होते हैं इसलिए वो चीज नहीं आ पाएगी, कभी मैं किसी एक पोर्शन को ज्यादा कम दे देता हूँ, पर एक्चुअल पेपर में बहुत सारी चीजें अलग ढंग से होती हैं,
ये रेंज वाला अभी आते हैं इस पे। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज क्या बोला है, डू री मी मीन्स, ठीक है, पर पूछा क्या पहले वो देख लेते हैं। विच वर्ड इज द लैंग्वेज, एल ए टी, ठीक है, तो हमें इसका बताना है मीनिंग क्या। आप देखो एल ए टी किस में आ रहा है पहले तो ये बता दो आप, फर्स्ट में आ रहा है डू री और मी, इसका मतलब क्या है पहले समझ ले। इसको ऑर्डर वही नहीं है, पर मैं लिखता हूं ही इज लेट। अब एक बात पक्की हो गई कि आपसे अगर लेट पूछा है तो या तो आंसर होगा डू, या होगा आर ई, या होगा एम ई, क्या नहीं होगा, एल ए नहीं होगा, एक आंसर खत्म। अब बात आती है अगला दिया है एफ ए एम ई एल ए, ठीक है, अब इसका मतलब दिया क्या है, सी इज अर्ली, ठीक है, तो अब इस कॉमन हो गया, तो जैसे इस कॉमन हुआ तो कॉमन इसके साथ क्या आएगा, एम ई, इसके साथ एम ई, तो एम ई भी खत्म, दो आंसर खत्म हो गए। और कोई कॉमन है, नहीं है। अब एक और दिया हुआ है, बोलो सो टी और डू, इसका मतलब क्या है, ही लीव्स सून, क्या कॉमन हो गया, हाँ ही का मतलब हो गया डू, ही का मतलब हो गया डू, तो डू भी खत्म हो गया, तो आपको सही ढूंढा ही नहीं आपने, आपने तो खत्म कर दिए तीन, 100% एक्यूरेट आंसर आ गया। और ये पेपर तो ऐसा था कि 40 मिनट अगर आप एलआर को देते 30 के आसपास हो जाते। पेपर को भी देख के बता सकता हूं, कभी 20 होंगे कभी 30 होंगे, 20 से 30 हमेशा होंगे। डन, सेवन फिफ्टी सिक्स, 7 7 जा 49 प्लस 7 56, 9 9 जा 9 9 जा 81 प्लस 9 कितना, 7 7 जा 49 प्लस 9 ठीक है, बताओ वही तो बन गया होगा, थे ई एल एफ ए जी एल एच ए आई एल जे ए एम एल एन ए, तो ए तो आखिरी लेटर है पर ए सभी में ही होगा, ई के बाद बोलो कितना, प्लस टू, जी के बाद प्लस टू, प्लस टू, प्लस टू करो, बीच का बताना, अच्छा बीच का बताना है तो फिर ये, अच्छा बताओ यार आई के बाद क्या आएगा, के, तो के से स्टार्ट होने वाला एक ही है, अच्छा दो हैं तो ठीक है कोई बात नहीं, ये दो कट कर दो, फिर अगले पे आओ एल 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 एल, वो कॉमन ही हो गया, काम का नहीं, वो दोनों में ही है, फिर आ जाओ एफ एच, कितने का गैप, टू का, एच और जे दो का, तो दो बताओ कितना क्या आएगा, ये भी आपने खूब करें। आप देखो कई बार मैं तीन तीन चार चार देता हूं तो कई बच्चे बोलते हैं सर इतने क्यों, एक साथ आए हुए, देखो 1 2 3 तीन क्वेश्चन आए, अभी आते हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में पूरी पजल्स कर लेंगे एक बार में। बोलिए वेटर कहाँ पे काम करता है, रेस्टोरेंट में, तो टीचर कहाँ पे पढ़ाता है, स्कूल में, सी यू सी ओ यू एन एस ई एल, बोलो बी आई टी आई आर ए के, सी और बी एक माइनस का डिफरेंस है, 1 माइनस 1 ना, तो बस हो गया, जी के बाद बोलो क्या, एफ यू के बाद कहां पर, इसमें और आई में कितना डिफरेंस है,
आप बताओ ना, आपने बोला मैं तो कर ही ना, मैं तो या तो लिख के करूंगा या आपसे पूछ रहा हूं, आपसे करवा। माइनस, तो -6 है, तो -6 बताओ कर क्या आएगा। ओ हो गया खत्म। वो तो आपको देखना है ना, मैं तो पेपर केवल एक्चुअली इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि ये डिस्कशन में जो मैं बोलता हूँ बीच में वर्ड, वो आपके काम आए कि भाई एक्चुअल पेपर अगर आप दोगे तो आप कई गुना इजी पेपर दोगे। जो आप FLT देते हो, टेस्ट पेपर देते हो, MPTET की टेस्ट सीरीज मटेरियल, उससे कई गुना इजी होगा। और वो आपके सामने ही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, पेपर बोल रहा है, किसी भी साल का पेपर उठा लो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पेयर इन ग्रुप दैट डिफरेंट फ्रॉम अदर, कौन सा अलग है। देखो 15, बिल्कुल सही बोला बेटा, 15 थ्री जा प्लस 1 46, 12 थ्री जा प्लस 1 37, 9 थ्री जा प्लस 1 28, 8 फोर जा हो रहा है ये, तो ये अलग है क्योंकि बाकी थ्री टाइम से मल्टीप्लाई रहे हैं, ये हो रहा है। इस पेपर का केवल एकमात्र पर्पज है कि आपके अंदर का जो LR को लेकर डर है उसको बाहर निकाल दो, या फिर आपने डर नहीं निकाला तो ये आपको बाहर निकाल देगा सिलेक्शन से। इफ इट इज सैटरडे ऑन जनवरी 1 2000, ठीक है, 1 जनवरी को क्या है सैटरडे, देन 1 जनवरी 2001 को क्या होगा, क्या होगा, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ेंगे, तो सैटरडे से संडे और मंडे, तो मंडे इज द राइट आंसर। गलती से संडे ना लगा दे, इसमें कई बच्चे संडे लगाएंगे, लीप ईयर क्लिक कर, वो क्लिक नहीं किया तो संडे आंसर लगा दोगे। लीप ईयर क्लिक करना जरूरी था इसमें, डन। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, करा हुआ है। राधा इज, राजा इज ट्वाइस ओल्ड एज रीता वॉज 2 ईयर एगो, मतलब ट्वाइस ओल्ड है कब, जब रीता जब 2 साल पहले जितनी भी एज थी उससे ट्वाइस है। अब इसमें राजा लिख दो नहीं तो RR में कंफ्यूजन हो जाएगा। अब क्या बोला बता, इफ डिफरेंस बिटवीन देयर एज, दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 2 ईयर, हाउ ओल्ड इज राधा टूडे, ठीक है, राधा आज की डेट में कितने साल की है, तो बताओ क्या होगा। ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर आपने कहा कि मान लो, चलो आपने बोला 10, तो 10 इक्वल टू, बताओ 10 माइनस, ये 10 है तो इसका मतलब ये 8 होना चाहिए, क्यों, तो आप 10 के साथ जरा बनाओ तो ये हो जाएगा, 10 के साथ नहीं हो रहा क्योंकि 8 माइनस 2 कितना होगा 6, अरे 8 माइनस 2 6, 6 2 जा 12, तो नहीं हो रहा 10, तो 10 इज नॉट 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 अ राइट आंसर, 8 पर आओ। अब 8 लिया तो ये 6 होगी, राधा 8 की है तो रीता कितने की हो गई 6 की, ये तो पहले हो गया। अब 2 साल पहले रीता की एज कितनी रही होगी 4 साल, और 4 2 जा 8, तो राधा की एज के बराबर है, तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, यस और नो। पहले भी करवाया मैंने, खैर जब अपन टॉपिक पढ़ रहे थे। डन, हाउ मेनी टाइम इन अ डे आर हैंड ऑफ क्लॉक पॉइंटिंग अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर 20 22 टाइम, सेम तो भी 22 टाइम, और परपेंडिकुलर 44 टाइम, याद रखना। तो अभी आंसर इज 22, क्लॉक के समय पढ़ाया हुआ है। अपोजिट 24 घंटे में 22 बार, सेम डायरेक्शन 22 बार, और 90 डिग्री 44 टाइम्स, ये तीन चीजें कई बार पूछी जा सकती हैं। 22 की भी LR, 23 की भी LR बहुत सिंपल थी। इजी पेपर था, हो सकता है मिस्टेक खूब करी, अब आप बताना इसमें कितनी मिस्टेक करी, काउंट कर लेना, करी थी तो वो नहीं होना चाहिए थी, कितने आराम से होने वाला पेपर था।
मिसिंग टर्म बताना, ये भी आपको पता है जो कंसेप्ट इन दो लेटर के बीच में, बी के बाद डी कितना, सी सी डी प्लस टू का प्लस वन है ना, मतलब डी के बाद ई एफ, तो क्या आना चाहिए, एच एच कहाँ है, एक ही है, मतलब बहुत ही ज्यादा लॉलीपॉप दे दिए, ऐसा तो नहीं लग रहा है ये बाद में पेपर बदल देते एग्जाम में कुछ और देते, ऐसा कई बच्चों को लगता है कि बाद में पेपर बदल लेते हैं एग्जाम में कुछ और दिखाते हैं, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, बाद में सड़ा पेपर दे देते हैं। चलो चूज द, अब देखो ये मैथ्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि, और हर साल रीजनिंग में मैंने देखा दो तीन क्वेश्चन मैथ्स के हमेशा आते हैं, स्पेशली प्रोग्रेशन परमुटेशन ये बहुत ही कॉमन है। चूज द करेक्ट रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 24, आप 24 से डिवाइड कर रहे हो तो 1, 2, 3 का 6, यहां से फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होती है 24, इसके बाद सब डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो 6 प्लस 2 8 प्लस 1, तो रिमाइंडर इज 9। देर आर सिक्स मेंबर इन अ फैमिली, पता नहीं 6 मेंबर से कितना इनको प्रेम है। देर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली, ए इज अ फादर ऑफ डी, ए क्या है किसका, ये फादर हो गया, ए इज अ फादर ऑफ डी, ई इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी, तो ई इधर आ गए, ये भी ग्रैंड फादर है ना, तो एक जनरेशन और हो गई, तो ई इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी, तो सी मतलब इसकी वाइफ होना चाहिए, और बी इसकी, देखो बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी, तो डॉटर इन लॉ बोला तो ये हो गया डीसी, क्या बी इज द डॉटर, बी होगा ना, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी, एफ इज अंकल ऑफ डी, तो ये जरूरी नहीं कि इसका वो, एफ इज अंकल ऑफ डी, तो एफ इनके ब्रदर हो गए, ठीक है, एफ इज अंकल ऑफ डी, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ सी विथ एफ, तो इससे कोई लेना देना नहीं, सी विथ एफ तो क्या हो जाएगा, नहीं ये तो है सी का रिलेशन ही नहीं पता, तो ये लिखो, लिखो जब पता ही नहीं तो ये लिखो, क्लियर हो नॉट, क्योंकि हमें सी कुछ बोला थोड़ी है, अब ये बोला बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी, बी जो है वो क्या है, सी की डॉटर इन लॉ, इसकी वाइफ है कि नहीं पता नहीं है, इसकी वाइफ तो नहीं है, इसकी भी तो वाइफ हो सकती है, एफ की भी, तो अभी कुछ पता नहीं हमें, पर सिस्टर तो नहीं है ये पक्की बात हो गई, ठीक है, नेफ्यू भी नहीं है, ये तो मदर इन लॉ भी नहीं है, तो क्या हो गया आंसर, बेटा अभी आपके पास इनकम्प्लीट है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इससे मैच करता है, ये इंग्लिश से बेस्ड है, ये आप लोग खुद मीनिंग देखेंगे, मिसिंग टर्म इंग्लिश वाला वर्ड जो है वो आपसे मैं खुद चाहूंगा आप देखें, क्योंकि उससे आपका कमांड आएगा, और नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, उसकी कोई रेंज नहीं है, करिए मिसिंग टर्म बताना है। एट के बाद 7 है तो दो सीरीज है, 8, 11, 14, 17, 20, 3, 20 हो जाएगा, वही बताना था, मैं श्योर हूं आप 10th के बच्चों को बिठा लो वो भी इसको बड़े खुशी से कर लेगा, फिर भी इस पेपर में, इसमें भी 5 5 10 10 लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चन, आप खुद सोचो कैसे पॉसिबल है, आप अगर आपने सब कुछ आपके साथ आंखों के सामने, एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए, तो इंग्लिश पे बेस कर लोगे। चलो नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट रघु रैंक इज, अब ये बहुत लोग गलत करके आए थे, क्यों करके आए थे पता नहीं, रैंक का सिस्टम अलग होता है,
रैंक इज डिफरेंट थिंग। रैंक में फर्स्ट रैंक वाला टॉपर होता है, सेकंड रैंक वाला नीचे होता है, थर्ड रैंक वाला। तो भी इसमें क्या गलत किया बताता हूं मैं। इन्हें क्लास ऑफ कुछ क्वेश्चन दिमाग में रह जाते हैं जो बच्चे गलत करके आते हैं। इन्हें क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट रघु रैंक इज, रघु की रैंक क्या है? ट्वाइज ऑफ, ठीक है, मतलब रघु डफर है ये, इसका मतलब है ट्वाइज, मतलब ये मत सोच लेना कि अरे कितनी अच्छी है मेरी, तुम्हारे से दोगुनी अच्छी रैंक है। दोगुनी रैंक मतलब आप पीछे हो गए। अब पढ़ो, देर आर 10 स्टूडेंट हु हैव रैंक क्या, वर्स देन द रघु। रघु से 10 लोग क्या है नीचे, तो इसका मतलब रघु की रैंक कितनी है? 40। तो इसकी रैंक कितनी होगी? 20। डन। कौन सा हाय ना, क्योंकि बाकी सब क्या है? हाँ, घास फूस वेजिटेबल है, तो एक ही वो है जो कि नॉन वेज खाता है। चलो ए 3 TI 5 R किसके इक्वल है? A C T O R। कंफ्यूज मत, तो इसका मतलब इसका एडिशन वगैरह से बना होगा। हाँ मतलब वही मतलब कहने का, जैसे A का मतलब A होता है 1, तो A का यही रहेगा। 3 का मतलब C हो गया। T कितने नंबर पे होता है? अच्छा एक नंबर दिया, ठीक है। और ये कितना है? ये पूरा 15 है। हाँ तो 15 क्या होता है? ओ, और आर का मतलब आर ही दिया, ऐसा तो ही हो गया। फिर तो बताओ, तो अब आप सीधे रोटेट पे चले जाओ। ROTATE, तो आर का मतलब आर, ओ का मतलब 15। तो आर 15 कितने में? 3 में। फिर टी का मतलब टी रहेगा, R15 T कितने में? 2 में। फिर ए का मतलब 1, टी के बाद 1 कितने में? 2 में। फिर टी के बाद फिर 15, क्या बोला? अच्छा टी का तो टी रहता है ना, और ई का 5, तो 5 इसमें नहीं है। अब आप बोलो कि रीजनिंग किससे पढ़े? रीजनिंग के पेपर से ही रीजनिंग सीख सकते हो। आप सोचो कि रीजनिंग कहीं से और से पढ़ लें तो नहीं सीख सकते। जो आपको टेस्ट पेपर मिलते हैं, स्पीड टेस्ट और मॉक टेस्ट, दो पेपर में आपको रीजनिंग मिल रही है बकायदा। हर वीक आपको 90 क्वेश्चन मिल रहे हैं रीजनिंग के, आप करो प्रैक्टिस। कौन सा? जो इंग्लिश पे बेस्ड है वो इसलिए डिस्कस नहीं करता कि वो आप अपनी समझ से भी कर लेंगे। जिनको क्लियर है वो उनको वैसे ही हो जाएगा, जिनको नहीं है उनके साथ अभी आर्गुमेंट नहीं कर सकते। 16 2 जा 16 into 2 plus 1 33, 33 into 2 6 minus 1, तो 65 into 2 plus 1, 131 into 2 minus 1। बोलो, तो 261 into 2 plus 1 कितना? 5। डन। ये भी गलत हो गया था, अभी गलत कर दिया था। चलो अब आप रिवर्स ऑर्डर में आते हैं, जो पजल्स बची हैं वो देख लेते हैं। देख लो क्लास में इतने कम समय में पेपर हो गया सॉल्व, जबकि मैं बोलता हूं आप लिखते हो सुनते हो। जब हो गया तो बाकी की तो बात छोड़ ही दो, वन बाय वन। और इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन का एक बात ध्यान रखना, जिनका इंग्लिश ठीक ठाक है उनको बन जाएगा, जिनका ठीक नहीं है वो सोचे इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन 2-3 आते हैं कर लें तैयारी, तो 10-15 मैथ्स के क्वेश्चन निपट जाएंगे, उनका इंग्लिश का तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी कोई रेंज थोड़ी है। इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपका इंग्लिश पे कमांड तो लगेगा ना, नहीं तो कैसे होगा?
अब हो सकता है किस्मत की बात है, जैसे आप केबीसी देखते हो, आप चार पांच क्वेश्चन का आंसर दे देते हो, तो इसका मतलब थोड़ी कि आपको नॉलेज है, वो जनरल क्वेश्चन है, समझ में आ गया तो बता दिया। तो वैसा है कि अगर कभी आपको लॉटरी लग गई, आप वही क्वेश्चन आ गया जिसका मीनिंग आपको पता है, तो ठीक है। तो कभी भी इंग्लिश वाले क्वेश्चन पर है कितने, वो दो तीन अब दिखेंगे, दो तीन उधर इंग्लिश वाले दो तीन क्वेश्चन के लिए कुछ करवा दो, तो उसके लिए कई बच्चे बैंक पीओ और एसएससी क्लास कर लेते हैं अटेंड, फिर धीरे से टर्न हो जाते हैं उसी में। करिए, अब इसका मतलब दिया हुआ मीनिंग, अब इसके मीनिंग में मत जाना, इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, पहले पूछा क्या उसको पढ़ लो, तो आपका काम हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन मैंने वैसे तो ब्लड रिलेशन में पीवाईक्यू करवाए थे, पर ठीक है अभी अपन पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो करते हुए चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आर इज ब्रदर ऑफ टी, आर इज, आर क्या है, ब्रदर ऑफ टी, ये रिलेशन बताना है, आर इज ब्रदर ऑफ टी, ठीक है। टी का जेंडर कोई भी हो सकता है, आर भाई है किसका, टी का, तो टी मेल फीमेल कुछ भी हो सकती है, ये रिलेशन देखना है। अब ब्रदर के रिलेशन में हैशटैग आएगा, यस और नो, तो जिसमें हैशटैग नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, तो ये आंसर तो कतई नहीं होगा, ए में, हाँ, और आर के साथ आना चाहिए, तो ये भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो अब आर के साथ देखो यही आ रहा है, आर के साथ दो बार हैशटैग, ये हो सकता है, क्योंकि आर जो है इसका ब्रदर है, ये इसका ब्रदर है, तो बात वही होगी। देखो बिना करे आपने बता दिया, बाकी आप करते तो ये लिखते यू, इसका सिंबल क्या है, यू मदर है किसकी, आर की, ये मदर हो गई मदर। अब उसके बाद बोला आर, आर ब्रदर है किसका, एस का, और एस ब्रदर है किसका, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ब्रदर हो गया, आर टी का भी ब्रदर हो गया, है ना। तो वो जो मेन सिंबल है जो पूछा गया है उस पर नजर गड़ा लोगे तो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, के इज रिलेटेड टू एन, के का एन के साथ रिलेशन बताना है, तो ये तो मदर हुई, और मदर तो होना ही होना चाहिए, एल क्या है, सिस्टर, एम एन ब्रदर ही होगा ना, तो पूछा क्या है, के क्या होगी, के तो मदर है ही ना, तो बस के का काम पूछ हो गया, इतने में ही तो हो गया, आप आगे क्यों पढ़ रहे हो, कुछ ज्यादा ही सिंपल दे दिए क्वेश्चन, मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी, अभी क्लास में आके और ज्यादा इजी लगने लगा, पता एक ही चीज है जो इजी लगने का, वो है एग्जामिनेशन का प्रेशर नहीं होना। आप इसी बिल्कुल जिस माइंडसेट से आप एनालिसिस करते हो ना, उस माइंडसेट से पेपर देना चालू करो, स्कोर बढ़ जाएगा। क्या अपन तो एनालिसिस करने जा रहे हैं, पेपर तो पहले ही दे दिया था, देखो आप करके क्योंकि जितने क्वेश्चन है देखे हुए तो है, ये भी आप एनालिसिस कर रहे हो तो देखा हुआ है ना, पेपर दिया है ना, तो 90% पेपर वही आता है जो आपने करा हुआ, देखे हुए क्वेश्चन, बस तो एनालिसिस करने जा रहे हैं, आराम से करेंगे सर की तरह, बिल्कुल धीरे धीरे, बस चाय नहीं मिलेगी अलग बात है, घूम नहीं सकते, पर मन में वही रहेगा, एक क्वेश्चन करा थोड़ा सा मन को चलाया, फिर चार क्वेश्चन करे एक कप लिया, और तो ऐसा करना चालू कर दो, कौन इसको तो कोई नहीं रोक सकता, लोग देखेंगे भी तो अच्छा, लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे आपकी कोई एक्टिविटी से, अगर कोई डिस्टर्ब हुआ तो एक क्वेश्चन आपने उसका खराब कर दिया, तीन चार क्वेश्चन के बाद बोले यार छोड़ो यार इसको, क्या पागल को देख रहे हैं, है ना। और इम्पिटस वाले बच्चों के साथ दिक्कत है नहीं, उन्हें पता है कि ये तो करना ही है, ये अपने ही वाला है। यस, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एन इज डेफिनेटली डॉटर ऑफ के, एन इज डेफिनेटली डॉटर ऑफ के, के की कौन, एन डॉटर है, डॉटर के लिए कौन सा लगेगा, मदर वाले ही कंसेप्ट आएगा, सिस्टर मदर है ना, फीमेल जेंडर, तो बताओ क्या, पहले तो के जो है वो मदर होना चाहिए, तो के मदर वाली कौन सी वाली दिख रही है, सी में ही दिख रहा है, यही हो सकता है, आप देख लो करके, क्योंकि मदर के बिना तो डॉटर होगी नहीं, तो ये हो गया बात खत्म, यस और नो, ये हो गया सिंबल क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन में वो लोग उलझते हैं जो इसको पढ़ लेते हैं कि पी इज मदर ऑफ क्यू, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, ऐसा कैसे हो सकता है, पहले मदर बोल रहा फिर सिस्टर बोल रहा, नहीं नहीं सर कुछ गड़बड़ है, तो पूरा देख लो, मैं ये भी नहीं कह रहा यही होगा,
एक मिनट रुक जाओ, अगर आपको ऐसा लगता है कर लो पहले। अच्छा सी में एन का एजेंडा नहीं पता तो कौन सा ले सकते हैं? आ ये भी तो ले सकते हो, के बा ये बी बी ठीक है, एम बिलोंग टू एल, बोलो एम क्या है? एम मदर है किसकी? यहां पे के गलत टाइप हुआ है। अच्छा मैंने गलत टाइप, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, के ये एम है मदर के की, हाँ चाय नहीं मिली ना, एम इज मदर ऑफ के, ठीक है फिर क्या बोला है? फिर क्या है? के फादर ऑफ, ये फादर हो गया ठीक है, एन सिस्टर ऑफ एल, तो ये सिस्टर ऑफ एल है ठीक है, तो आप एन सिस्टर है ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में एन इज डेफिनेटली डॉटर ऑफ के, सही है ये रिलेशन, दिस इज द राइट आंसर, सॉरी क्लियर। नेक्स्ट चलिए, एक बार आप कर लो फिर मैं करवा रहा हूं, नहीं करा हो तो अभी कर लो, कर लिया हो तो वेरी एंड गुड। ये पेपर एक्चुअल में ऐसा था जिसमें पेन का यूज बहुत कम था, मतलब आप इंक बचा के ला सकते थे और गर्व से कह सकते थे कि आज मैंने पेन को बचा लिया, कम से कम आधे घंटे की इंक मैंने यूज नहीं की। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो इसका मतलब है टोटल स्टूडेंट क्लास में 100 है, 0 से अबव कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, 10 नंबर से अबव 92, मतलब अगर 0 से 10 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिक्स में बोलूं तो 8 हुए, इसका मतलब ये निकलता है। केमिस्ट्री में 19 हुए ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री और एग्रीगेट ठीक है, तो अभी उसमें अभी हम नहीं जाते, ये 10 से अबव मतलब 10 नंबर से ऊपर वाले बच्चे इतने, 20 नंबर से ऊपर वाले बच्चे इतने, 30 नंबर से ऊपर वाले बच्चे इतने, 40 नंबर से ऊपर वाले बच्चे इतने, 50 मार्क्स का पेपर है। अब इसमें कोई इसका चार्ट का रोल नहीं है, क्वेश्चन का रोल है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक एक करके वन बाय वन करेंगे। पढ़िए पहला क्वेश्चन, कितने लिखा? एटलीस्ट इफ इट इज नोन दैट द एटलीस्ट 23 स्टूडेंट वर एलिजिबल, केमिस्ट्री के लिए बोला है ना, तो 23 स्टूडेंट बोला, एटलीस्ट बोला है, तो जो इनके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे उन्हीं को एलिजिबल करोगे, फेल वालों को तो करोगे नहीं, तो एटलीस्ट 23, तो 40 से ऊपर में तो 9 है तो काम नहीं चलेगा। अच्छा केमिस्ट्री बोला तो 40 के ऊपर 4 है काम नहीं चलेगा, 30 के ऊपर भी 21 है काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 20 चाहिए, तो कौन से 20 से 30 की रेंज में एटलीस्ट 23 स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको। यस और नो, आप रोते रहो, पजल्स नहीं बनती, पी वाई क्यू की बनेगी, वैसे बने ना बने पी वाई क्यू की बनेगी, कभी या कभी कभार आ जाती उलझाने वाली। फिर पढ़ो क्या लिखा अगला, इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स, 60% मार्क्स इन फिजिक्स का मतलब होता है 50 मार्क्स का 60% होता है 30 नंबर ठीक है, इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परसुइंग हायर स्टडी इन फिजिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट आर एलिजिबल, तो 30 से ऊपर वाले कितने? 32, तो आंसर इज 32, 60% लाना है ना, तो 30 बच्चे 32 बच्चे ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में 60% या उससे अबव है, उससे अबव वाले भी हैं, ये 80% वाले हैं, पर हमें तो 30 के ऊपर वाले देखने थे। डन, अगला पढ़ो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, लेस देन 40% मतलब 20 नंबर से कम, एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, तो 20 नंबर से कम, ये 20 या अबव है, तो 100 माइनस 73 27, यस और नो, एंड लास्ट
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिस विथ 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन केमिस्ट्री एंड दोज पास 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन, डिफरेंस बताना है। तो 30 स्टूडेंट पास 30 कट ऑफ मार्क्स, 30 वाले ये, तो किस किस, तो केमिस्ट्री 21, एग्रीगेट 27, 27 माइनस 21 कितना 6, क्लियर। करिए 14 क्वेश्चन में बोला था, कहाँ गया 14, एक मिनट, इसका 14, अच्छा वो तो एक बार पढ़ना उसको आ जाएगा। चलिए, इन अ फैमिली ऑफ सिक्स पर्सन ए बी सी डी ई एफ देयर आर टू मैरिड कपल, डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, डी क्या है, डी है ग्रैंड मदर ऑफ ए, बीच में एक जनरेशन और होगी, ये ग्रैंड मदर है, मतलब जेंडर फीमेल हो गया, ठीक है। इन अ फैमिली ऑफ सिक्स पर्सन डी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, और बी की क्या है, बी की मदर भी है, बी बीच में आ गया, डी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, ठीक है। सी इज वाइफ ऑफ बी, तो इसका जेंडर प्लस हो गया, सी क्या हो गई, वाइफ, सी इज अ वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, तो एफ यहां हो गया, एफ की मदर भी है, एफ इज ग्रांड डॉटर ऑफ ई, एफ इज ग्रांड डॉटर ऑफ ई, तो ये हो गया ई, ग्रांड डॉटर लिखा है, फादर हो गया और ये हो गई डॉटर। ए क्या है, ए का जेंडर नहीं पता, तो इसमें कई सारे क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि जेंडर नहीं पता। पढ़ो, हु अमंग द फॉलोइंग वन इज कपल, तो कपल बी सी और डी है, उसमें से कोई एक देंगे, दोनों अगर दोनों देंगे तो सी लिख देंगे, ए एंड बी बोथ, अब बस मन में ऐसे पेपर जब अपन PYQ 5-10 साल के करते हैं ना, तो एक ही थॉट आता है, वाकई में बहुत इजी आते हैं, पर इस साल का नहीं आएगा क्योंकि हर साल तो ऐसा नहीं कर सकते वो, एक मेरे साथ तो वैसे भी किस्मत खराब है, बचपन से देखता आया हूँ हर एक के साथ कि मैं जब भी कोई एग्जाम देता हूँ वैसा कभी नहीं हुआ जो पिछले 10 साल में हुआ, तो इस साल वो कुछ भयानक पेपर बनाएंगे जो मेरे दिमाग से परे होगा। चलिए अगला पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इज ब्रदर ऑफ एफ, ए सिस्टर ऑफ एफ, डी इज टू ग्रैंड सन, आप कुछ नहीं बोल सकते, नन ऑफ दीज, क्योंकि ए आपको पता ही नहीं कि मेल है कि फीमेल है, इसलिए आप फिलहाल में कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। व्हाट इज सी टू ए, तो ये पक्का ये मदर है, तब ये चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये इसकी माँ, ये ट्रू है ना तो कैसा भी पेपर आए आपका दिमाग बिल्कुल सही होना चाहिए, और 2023 का पेपर तो कई लोगों को अभी भी एक बार सॉल्यूशन के बाद भी देखना नहीं आता। 2023 की रीजनिंग करी है ना आपने सॉल्व, ऐसी रीजनिंग थी सिंपल, प्लस माइनस हमेशा होगा, और मैं तो बोल रहा हूँ आप मान के जाओ कि टफेस्ट पेपर आए तो भी रेडी है, इजिएस्ट आए तो भी रेडी है, पर टफेस्ट आएगा तो कम अटेम्प्ट करना, इजी आएगा तो ज्यादा करना, हर जगह एक जैसे धोखना नहीं है कि गाड़ी में तो 60 की स्पीड में चलाता हूँ, भीड़ो या खाली रोड हो चलो हु इज सी टू ए, ये मदर, ये तो हो गया था। चलिए हाउ मेनी मेल मेंबर, अब क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता तो ना मेल मेंबर टोटल बता सकते हो ना फीमेल, दोनों ही नहीं बता सकते, ऐसा नहीं कि मेल मेंबर नहीं बता सकते, दोनों ही नहीं बता सकते। डन, ओ पीछे जा रहा है ना, चलिए ये भी कर लेते हैं लगे हाथ। एक बार देख लीजिए फिर करते हैं। बार चार्ट का है पर सिंपल क्वेश्चन है। अ कंपनी प्रोड्यूस 5 डिफरेंट प्रोडक्ट, द सेल ऑफ दीज 5 प्रोडक्ट इन लाख रुपीज अ पैक
ड्यूरिंग 2005 एंड 2010 आर शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, सेल लाख में दी हुई, ठीक है, फाइव डिफरेंट प्रोडक्ट इन द कंपनी 2005 और 10। ये 2005 है, 10 है, 5 है, 10 है, 5 है, 10 है, 5 है, 10 है, मतलब कंपनी ने ग्रोथ की है। इसका मतलब ये है क्योंकि 10 वाले में सब ऊपर है, 5 वाले में सब नीचे है। अब वन बाय वन करते हैं। पहला, द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए इन 2010 वॉज बाय दैट परसेंट मोर देन द सेल ऑफ प्रोडक्ट बी इन 2010। जिसके रेशियो में निकालते हैं आप, ए प्रोडक्ट की बी के साथ निकाल लो, तो सिंपल लॉजिक है, ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। कभी भी जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसका डिवाइड करते हैं, तो ए कितना है 48.17 माइनस बी कितना है 37.16। मैं आपसे पूरा करवाऊंगा, अपॉन 37.16 इंटू 100 करना जरा सॉल्व। कितना आ रहा बेटा ये 0.16 से, ये कितना हो जाएगा 10 क्यों होगा, 11.01 अपॉन 37.16 इंटू 100। ये पॉइंट हटा दो तो 1101 अपॉन 3716 इंटू 100 लगभग। पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करना पड़ेगा नहीं तो, और आंसर नियर है, गलती नहीं करना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। थर्टी थ्री या 31 होना चाहिए मुझे लगता है। कितना है 28, आप डिवाइड करके देख लो भाई। अगर 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 31 लेंगे नियरेस्ट, पीछे नहीं जाएंगे आगे। देखना एक बार सही से डिवाइड करके बेटा, अब डिवीजन में नहीं सिखाऊंगा भाई आपको। 1101 अपॉन 3716 इंटू 100, आप ये डिवाइड कर लो और फिर 100 का मल्टीप्लाई कर देना। 29 पॉइंट, बिल्कुल सही, 29.6 बिल्कुल सही बताया आपने। अब 29.6 है तो इसको 28 तो नहीं मान सकते, 30 के लगभग मानते। अब 30 के आज 30 होता तो सबसे अच्छा होता, नहीं है तो उसके बाद वाला, पीछे नहीं देखते, ग्रोथ हमेशा आगे की देखेंगे। नहीं, यही है, यही आंसर है, आंसर भी यही दिया था उन्होंने सॉल्यूशन में भी, उन्होंने अप्रोक्सीमेट बताया हुआ था, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं उसमें। पर 28 नहीं लेंगे, 28 क्योंकि आप 0.5 के बाद राउंड कर देते हो, करते हो, तो आप इसे एक्चुअल में तो क्या बोलते हैं 30 है राउंड, अब 30 नहीं है इसलिए 31 लिया, 28 नहीं लेंगे। क्लियर? और इसीलिए 29 ऑप्शन में नहीं दिया, नहीं तो कई बच्चे फिर ऑब्जेक्शन रेस कर देते कि 29 क्यों नहीं हो सकता, वो हो सकता था क्योंकि 29.6 था, वो हो सकता था, पर वो नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर टू, वो सॉरी थ्री, थ्री पढ़िए क्या है। ड्यूरिंग द पीरियड 2005-10 द मिनिमम रेट ऑफ इंक्रीज इन सेल, मिनिमम रेट ऑफ इंक्रीज सेल किसकी है, इसकी है, इसकी है, इसकी है, किसकी मिनिमम सेल है, ये तो काफी डिफरेंस दिख रहा है तो बी की नहीं है, तो ये आंसर खत्म हो जाए। वैसे करते कैसे बता रहा हूं, अगर आप ध्यान दे दो, ए भी काफी डिफरेंस है तो मिनिमम इसका भी नहीं होना चाहिए। अब अगर हम आए डी और ई, तो डी में गैप कम है और ई में ज्यादा है, 5 से ऊपर है और ये कितना है 5 से कम है, तो आंसर होना चाहिए डी। पर फिर भी निकालना है तो ऐसे निकालोगे, मान लो डी का निकालना है तो 12.21 माइनस 7.88 अपॉन 7.88 इंटू 100, ये डी के लिए, और ऐसे ही ई का निकालोगे तो 10.19 माइनस 5.01 अपॉन 5.01 इंटू 100 निकालिए। और जो आपने डी में देखो अगर ध्यान दो, तो जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा उसका आंसर मिनिमम होगा, तो डी में ही सबसे कम डिफरेंस है, इस इन दोनों में है, पर इन दोनों में भी डी सबसे कम है, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम ग्रेथ हुई होगी। अगर हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट कहां दिख रहा है, देखो बी में, बी और ए ही है दो, पर बी में ज्यादा हाईएस्ट, अगर हाईएस्ट पूछा होता तो बी ले देते आंसर।
किसकी ग्रोथ ज्यादा हुई है किसकी कम हुई है, पर अगर एग्जैक्ट निकालना तो आप इससे एग्जैक्ट निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला पढ़ो क्या लिखा, द सेल हैव इंक्रीज बाय नियरली 55% फ्रॉम 2005 टू 2000 इन केस ऑफ 55% की ग्रोथ किसको मिली है। 55% की ग्रोथ का मतलब हुआ मतलब डबल नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए बी, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा 5 से 37 हुआ है। ए भी डबल से ज्यादा है, मतलब 20 का डबल करोगे तो 40 उससे ज्यादा है, ये 100 से ऊपर है, ये भी 100 से ऊपर है, ये 14 से 29 हुआ है, डबल करीब क्या है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है डी, डी हो सकता है, और ई है ही नहीं ऑप्शन में। अब डी आपने ये सॉल्व किया होगा तो अभी मिल जाएगा, करो ये लिखा ही हुआ है, तो ये डी का बताओ कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो 54.9, तो उतना ही पूछा है कि सेल इंक्रीज बाय नियरली लिखा हुआ है, यस और नो, वन तो कर लिया था, हो गया खत्म।